हेलो गाइस, दिस इज ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम आपके डिमांड पर लेकर आए हैं पूरा वन शॉट फॉर टर्म टू। तो जैसे टर्म वन में आप लोगों को काफ़ी मदद मिली थी वन शॉट वीडियो से, जिसमें हमने पूरा सिलेबस कवर करा रखा था एक ही वीडियो में, ऐसे ही आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपके टर्म टू के एग्ज़ाम में और टर्म वन के एग्ज़ाम में जिन लोगों के भी 10 से ऊपर मार्क्स आए हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें भी ये पता लगना चाहिए कि कितना आप लोगों को हेल्प मिल रहा है, क्योंकि हमें चाहिए 100 out of 100 मार्क्स। जिनके 15 out of 15 मार्क्स आए हैं टर्म वन में, वो मुझसे लिख के ले लें कि उनको आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिले ही मिले होंगे। तो आपको 100 out of 100 मार्क्स पे फोकस करना है। जैसा कि आपको पता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आप इस वीडियो को 2x पर जाकर के देख सकते हैं, 2x पर और 1.5x पर जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपकी जो वीडियो है वो हाफ ऑफ द टाइम में ख़त्म हो सके। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, तो उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है। तो और वैसे हम बीच बीच में टाइम स्लॉट्स डाल देंगे कि कहाँ से कहाँ क्या है, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या क्या आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला होगा आपका द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडियन आर्ट। तो इसमें आप क्या क्या रखा हुआ है, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, तो उसमें आप देखेंगे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडियन आर्ट, उसके सिंबलिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड कलर्स भी पढ़ेंगे। एंड देन आता है इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल, मेन फीचर ऑफ द बंगाल स्कूल एंड अप्रिशिएशन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल। जो भी पेंटिंग्स हमारे इसमें सिलेबस में दे रखी हैं बंगाल स्कूल के, वो पेंटिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, कैसे उन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में हमारे आर्टिस्ट ने। नेक्स्ट आता है द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट वो है जो कि मॉडर्न टाइम में हमारे यहाँ पर पेंटिंग्स हुई हैं, तो उसमें पेंटिंग्स हम देखेंगे और ग्राफिक प्रिंट्स एंड स्कल्पचर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, पेंटिंग, ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर, क्योंकि ये आप लोगों को आप लोगों से डिफाइन नहीं हो रहा है, उनके बीच में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि पेंटिंग कौन सी है और ग्राफिक प्रिंट कौन से हैं और स्कल्पचर कौन से हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं अब आपके ये नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द सिंबलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड कलर्स। तो यहां पर हमने सबसे पहले जो रखा है वो है इंडियन फ्लैग 1906। तो यहां पर जो मेन फ्लैग तो नहीं कहेंगे, जो ज्यादा फेमस फ्लैग हैं उनको हमने यहां पर देख रहे हैं। इसको हमने 3 phases में डिवाइड किया है, जैसे कि फर्स्ट फ्लैग हम 1906, फिर 1921, फिर 1931 एंड द फाइनल फ्लैग 1947। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले फ्लैग की हम यहाँ पर बात करें तो ये है इंडियन फ्लैग 1906 वाला। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, वो है द फर्स्ट इंडियन फ्लैग केम इनटू बीइंग इन 1906। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहला फ्लैग जो है वो 1906 में आया था, और डिज़ाइन किसने किया है, सचिंद्र प्रसाद बोस एंड सुकुमार मित्रा ने। एंड फिर इसका जो ये फहराया गया है तो वो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया है। आप इसे याद रखेंगे कि जो 1906 वाला फ्लैग है उसे 7 अगस्त 1906 को फहराया गया है, पर्सी बगान स्क्वायर कोलकाता, पर्सी बगान चौराहे पे कोलकाता में इसे फहराया गया है। इट वॉज ट्राई कलर बट इट्स कलर वर डिफरेंट, और इसके कलर जो है डिफरेंट थे, बट ये ट्राई कलर का ही है, आप यहाँ देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। एंड इट हैड ऑरेंज येलो एंड ग्रीन कलर, जैसा कि आपके वीडियो में दिखाया गया है। नॉन एज कलकत्ता फ्लैग और लोटस फ्लैग, क्योंकि इसमें लोटस दिए गए हैं और 8 lotus हैं इसके अंदर, और ये कोलकाता में इसको फहराया गया था, तो इसलिए या तो इसे कलकत्ता फ्लैग कहते हैं और इसमें 8 lotus हैं, तो इसलिए इसे ओल्ड लोटस फ्लैग भी कहा जाता है। एंड इट हैड 8 half-open lotus। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि 8 और इसमें लोटस दिए गए हैं। एंड इट वॉज अ बॉयकॉट डे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो हमारे इंडियन लोग थे जैसे कि सर सुरेंद्र बनर्जी, तो इन लोगों ने ये यूनिटी ऑफ इंडिया डिपिक्ट करने के लिए इस फ्लैग को फहराया था कोलकाता में। तो एंड होस्टेड बाय सर सुरेंद्र बनर्जी टू मार्क द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं कि ये फ्लैग कब ये लाइट में आया, तो 1906 में आया, और ये 7 अगस्त 1906 में इसको फहराया गया था, और ये डिज़ाइन किया था सचिंद्र प्रसाद बोस एंड सुकुमार मित्रा ने। एंड इसमें 3 colors थे जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड, और इसमें आपको 8 half-open lotus देखने को मिलते हैं। इसे कलकत्ता फ्लैग या लोटस फ्लैग कहा जाता है। प्लस इसके अंदर आपको येलो स्ट्रिप में ब्लू कलर से वंदे मातरम लिखा हुआ दिखता है, और रेड कलर में यहाँ पर इसका एक चांद और एक सूरज दिखाया गया है।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्लैग की, वो है 1921। इसमें क्या है, डिज़ाइन बाय पेंगाली वेंकैया। तो 21 वाला जो किसने किया है डिज़ाइन, वो पेंगाली वेंकैया ने किया है। वेंकैया कौन है, यंग राइटर एंड फ्रीडम फाइटर उस टाइम के, ठीक है। वेंकैया इंटेंशन वॉज टू ब्रिंग टू होल नेशन टुगेदर। इस फ्लैग को बनाने का उनका एक ही महत्व था, एक ही उद्देश्य था कह सकते हैं, कि वो पूरे इंडिया को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे। नेक्स्ट आता है, इट वॉज मेड अप ऑफ टू कलर्स, रेड एंड ग्रीन, रिप्रेजेंटिंग द टू मेजर कम्युनिटी, हिंदी एंड मुस्लिम। तो यहाँ पर पहले ये सिर्फ टू कलर्स में था, ग्रीन और रेड, बट इसे बाद में गांधी जी सजेस्टेड हिम वाइट स्ट्रिप टू रिप्रेजेंट द रिमेनिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया एंड चरखा एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पर गांधी जी ने सजेस्ट किया था बाद में कि आपको इसमें एक और स्ट्रिप ऐड करनी चाहिए जो कि अदर कम्युनिटी को भी डिपिक्ट करे। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी बात मान करके इसे थ्री ट्राई कलर बनाया था, इसे भी कह सकते हैं। फिर आप बात करते हैं 1931 की, जो कि नेशनल कांग्रेस का जो हमारा फ्लैग, द फाइनल रेजोल्यूशन ऑन अ फ्लैग वॉज पास्ड बाय द कांग्रेस कमेटी एट कराची इन 1931। तो पहले जो पाकिस्तान और इंडिया, कराची, ये सब एक ही हुआ करता था, तो उस टाइम पे यहाँ पर कराची में एक बैठक में कांग्रेस कमेटी की इसे पास किया गया, ये जो आपका फ्लैग दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे। एंड इट फीचर्स थ्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन कलर, विद अ चक्र इन द सेंटर, चरखा इन द सेंटर, विद द चरखा इन द सेंटर। ओके, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इंडियन फ्लैग जैसा ही है, बस इसमें यहाँ पर चरखा लगाया गया है जो अभी अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया है। एंड तो सैफ्रन किस लिए है, ये करेज के लिए, और वाइट फॉर द ट्रुथ एंड पीस, एंड ग्रीन फॉर द फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड चरखा सिंबलाइज द इकोनॉमिक रिजनरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब फाइनल फ्लैग की बात करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये नेवर 90% ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये इसे तो ज़रूर ही आप याद करके जाएंगे, ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। वो अगर आप एक बार सिर्फ देख कर चले जाएंगे तो चल जाएगा, आप उसके बारे में ऐसे लिख देंगे, बट ये चीज़ जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए अपने नेशनल फ्लैग के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर जो फाइनल नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग इज अप्रूव्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन द 22nd ऑफ द जुलाई 1947 AD। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इसे कब पास किया गया था, अप्रूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी द्वारा, तो वो आप डेट याद रखेंगे। एंड कमेटी हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद जी, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी हेड कर रहे थे उस कमेटी को। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विद द सूटेबल मॉडिफिकेशन एज द फ्लैग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं इसके अंदर, फिर उसे इंडियन नेशनल फ्लैग के रूप में माना गया। उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, वो है चरखा इन द मिडल वॉज रिप्लेस बाय चक्र व्हील एंड हैंस, आवर नेशनल फ्लैग केम इन टू बींग। तो यहाँ पर चरखे की बजाय यहाँ पर चक्र ले लिया गया है जो कि अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं हम द सिग्निफिकेंस इन शॉर्ट ऑफ द कलर आर एज फॉलोज। तो इन कलर्स के क्या सिग्निफिकेंस हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो इसका नेम क्या है हमारे नेशनल फ्लैग का, या तो इसे इंडियन नेशनल फ्लैग कहा जाता है या फिर ट्राई कलर कहा जाता है। फिर साइज़ की बात करें तो ये 3:2 में आता है। एंड कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको सैफ्रन ऑन टॉप, वाइट इन द मिडल एंड ग्रीन इन द लोअर पार्ट, एंड अशोक चक्र इन द मिडल विद द नेवी ब्लू कलर। तो ये इसमें कलर्स हैं। एंड सैफ्रन कलर करेज एंड सेक्रीफाइस, वाइट है ट्रूथ एंड पीस, ग्रीन फेथ एंड चिवरी, एंड अशोकन व्हील द डायनेमिज्म ऑफ पीसफुल चेंजेस वर्क फॉर 24 आवर्स। एंड 24 spokes इन अशोक व्हील्स, ये है 24 आवर्स ईच डे को डिपिक्ट करता है। एंड नेवी ब्लू कलर की बात करें तो ये सेकुलरिज्म, ट्रूथ एंड ट्रूथफुलनेस, ये चीज़ को डिपिक्ट करता है। तो अभी आप अपना रेस्पेक्टेड नेशनल फ्लैग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन तो हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन की पहले ही बात कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमने डिपिक्ट कर ही दिए थे और सारे क्वेश्चन पे हमारी वीडियो आ ही चुकी हैं, पहले आप देख सकते हैं चैप्टर बाई चैप्टर। और नेक्स्ट अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द बंगाल स्कूल, ठीक है।
तो बंगाल स्कूल का इंट्रोडक्शन ये आपका आ सकता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि राइट एन एसे ऑन द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ऐसे इसका ऐसे आ सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ की कोई पेंटिंग्स दिखाई जा सकती हैं, या कुछ चीज़ें यहाँ से बताई जा सकती हैं आपको कि ये कौन से स्कूल से बिलोंग करता है, कौन से स्टाइल से बिलोंग करता है, और आपको उसका ओरिजिनल डेवलपमेंट लिखना है एंड उसका जो भी डेवलप हुआ है एंड उसकी पेंटिंग्स वगैरह के बारे में लिखने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले ओरिजिनल डेवलपमेंट यहाँ पर देख लेते हैं बंगाल स्कूल का। तो सब यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं आपके एग्जाम में, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं, तो बंगाल स्कूल इज़ एन आर्ट मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन बंगाल, तो ये एक आर्ट मूवमेंट था जो कि बंगाल से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आता है मेनली फ्रॉम कोलकाता एंड शांति निकेतन, तो कोलकाता से ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि जो हमारे इसमें लीडर्स दिखेंगे वो कोलकाता से हैं, और शांति निकेतन यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसको एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट रिएक्टिंग अगेंस्ट द एकेडमिक आर्ट स्टाइल प्रीवियसली प्रोमोटेड इन इंडिया बाय ब्रिटिश, तो ब्रिटिश लोग जो है यहाँ पर एकेडमिक आर्ट स्टाइल को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट है। और एकेडमिक आर्ट स्टाइल क्या है, जिसमें एकेडमिक पूरा एक सिलेबस हुआ करता था, और वो सिलेबस जो है ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स की रियलिस्टिक फॉर्म वाली पेंटिंग सिखाई जाती थी आर्टिस्ट को। नेक्स्ट आता है, इट फ्लोरिज थ्रू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी, तो हमारा जो बंगाल मूवमेंट था वो 20th सेंचुरी में यहाँ पर फ्लोरिज हुआ। एंड नेक्स्ट आता है, नोन एज द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को, ठीक है, बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिलता है हमें मिडिल इंडियन आर्ट, एंड मिडिल इंडियन आर्ट कौन सी है, जिसमें हमारी राजपूत पेंटिंग आती है, जिसमें आपको राजस्थानी पहाड़ी एंड फिर आता है मुगल स्टाइल एंड इंडियन फोक आर्ट एंड एजंता केव्स है वहाँ पर पेंटिंग्स मिली हैं, तो उन सब का यहाँ पर मिक्सचर हमें देखने को मिलता है इन पेंटिंग्स में, ठीक है। फिर आता है कला भवन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल, कला भवन जो स्कूल है वो कोलकाता में ही है, तो इसलिए और ये इंडिया का फर्स्ट आर्ट स्कूल माना जाता है। फिर आता है इट वॉज द पार्ट ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन कोलकाता, तो शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी है जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी कहा जाता है, तो उसमें ही ये नेशनल आर्ट स्कूल कला भवन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है शांति निकेतन फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो आप जानते ही होंगे। एंड फिर आता है अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ई वी हेवल एनएस बिनफील्ड हेवल, इनका ई बी हेवल का फुल फॉर्म है ये, अंकरेज इंडियन आर्टिस्ट टू मेक पेंटिंग इन देयर ओन रिच इंडियन स्टाइल, तो यहाँ पर जो अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि हेड कहे जा सकते हैं बंगाल मूवमेंट के, एंड ई बी हेवल जो ब्रिटिशर्स थे एंड ब्रिटिशर्स स्कॉलर थे, तो इन दोनों ने बढ़ावा दिया इंडियन आर्टिस्ट को, कहा कि आप लोगों को अपनी आर्ट को ही आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। And many artists influence in different parts of the country. तो यहाँ इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे इन्फ्लुएंस हुए इन चीज़ों से, इन बातों से, और उन्होंने इंडियन आर्ट को अपनाया। एंड फिर आता है इट वॉज एसोसिएटेड विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट स्वदेशी हेडेड बाई अवनींद्रनाथ टैगोर, तो जिसमें उस टाइम पे स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था तो उसके साथ ये मर्ज हुआ एंड इसे हेड कर रहे थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ई बी हेवल द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता, नाउ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, तो ई बी हेवल जो है प्रिंसिपल थे आर्ट कॉलेज ऑफ कोलकाता के। एंड ई बी हेवल आस्क्ड अबनी बाबू टू जॉइन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एज अ वाइस प्रिंसिपल इन 1898, तो यहाँ पर ये आपको डेट याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं अबनी बाबू का जो हमने यहाँ पर जिक्र किया है ये अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को अबनी बाबू भी कहा जाता है, तो ई बी हेवल ने इनको इन्वाइट किया था वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ठीक है। ई बी हेवल वॉन्टेड फ्रॉम इंडियन आर्टिस्ट टू क्रिएट पेंटिंग इन इंडियन नॉट ओनली इन सब्जेक्ट मैटर बट ऑल्सो इन स्टाइल, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर लाइक जो रामायणा महाभारता जैसी हमारी पुरानी बुक्स पर जो पेंटिंग्स बन रही थी और जो हमारी स्टोरीज़ हैं उन पर जो पेंटिंग्स बन रही थी, तो उनको सिर्फ
सब्जेक्ट मैटर ही उनका नहीं, इन्होंने कहा कि उनका सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ही मत लीजिए, सब्जेक्ट वो मत लीजिए, आप सब्जेक्ट के साथ साथ स्टाइल भी इंडियन ही यूज़ कीजिए, जैसा कि हम पहले देखते आ रहे थे राजपूत पेंटिंग्स में, मुगल पेंटिंग्स में, अजंता में, तो वैसी पेंटिंग्स करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया। फॉर देम इंडियन स्टाइल, उनके लिए कौन सा था इंडियन स्टाइल, मुगल एंड राजपूत स्टाइल, एंड इसमें आप हमारी जो अजंता स्टाइल भी जोड़ सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन रैदर देन द कंपनी स्टाइल पेंटिंग एकेडमिक स्टाइल टॉट इन द कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स, तो उस टाइम पे जो आर्ट स्कूल्स थे उनमें जो पेंटिंग्स पढ़ाई जा रही थी, पेंटिंग्स सिखाई जा रही थी, तो उनसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था हमारे लिए कि हम अपनी ही आर्ट को बढ़ावा दें और अपनी ही आर्ट स्टाइल में हम पेंटिंग्स करें, ना कि हम कंपनी स्टाइल। कंपनी स्टाइल था ये भी ब्रिटिशर्स का ही, जो जैसे हमने ऊपर देखा कि जो एकेडमिक स्टाइल था वही कंपनी स्टाइल माना जाता है। कंपनी स्टाइल में भी रियलिस्टिक पेंटिंग की जाती थी और इसमें आपको ऑयल पेंट यूज़ करते हुए आर्टिस्ट दिखेंगे। नेक्स्ट आता है आर्ट स्कूल फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स, तो जितने आर्ट स्कूल ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डेवलप किए हैं उनमें से द गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता, लाहौर, बॉम्बे, मद्रास, तो ये हमारे मेन उस टाइम के आर्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है। आर्ट हिस्टोरियन पार्थ मित्र राइट, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अबनी बाबू इंगेज इन रिकवरिंग द लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट, तो हमारी जो इंडियन आर्ट की जो लैंग्वेज थी वो जो लॉस्ट हो गई थी, जिस इंडियन आर्ट जैसे मुगल और राजपूत स्टाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसे रिकवर करने में अबनी बाबू की फर्स्ट जनरेशन, मतलब जो अबनी बाबू के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने उसे रिकवर करने में ही पूरा टाइम लगा दिया उसकी लैंग्वेज को, ठीक है। एंड अवनींद्रनाथ टैगोर या अबनी बाबू एंड गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये उनके ब्रदर हैं, एंड सिस्टर निवेदिता एंड ई बी हैवल क्रिएट द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था ओरिएंटल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो यहाँ पर दो सोसाइटी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, आगे एक और सोसाइटी आएगी तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है वो यहाँ पर बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, सिस्टर निवेदिता और ई बी हवल, तो इनके द्वारा बनाई गई थी। फिर आता है द बंगाल स्कूल सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, तो बंगाल स्कूल ने ही यहाँ पर एक स्टेज सेट किया मॉडर्न इंडियन पेंटिंग का, ठीक है, ठीक है। और उस अब देखते हैं बंगाल स्टाइल स्प्रेड इन एवरी पार्ट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, तो ये सारी जगह पूरे इंडिया में हमारी बंगाल स्कूल का स्टाइल फैल रहा था। पूरे इंडिया में जो जितने भी इनके जो शिष्य थे या फिर स्टूडेंट कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर इन सारे एरियाज़ में गए, इनके आर्ट स्कूल्स में गए, वहाँ पर प्रिंसिपल बने या फिर वहाँ पर किसी भी तरह से उन्होंने पेंटिंग को सिखाना शुरू किया, और जो कि बंगाल स्टाइल की पेंटिंग्स हुआ करती थी। फिर आता है नंदलाल बोस, जिस जो कुछ आर्टिस्ट हैं उस टाइम के उनके बारे में बात हो रही है, जो उनके शिष्य कहे जा सकते हैं, उनके स्टूडेंट कहे जा सकते हैं, जिसमें आते हैं नंदलाल बोस, डीपी रॉय चौधरी, के वेंकटप्पा, शिव कुमार हल्दार, एम ए आर चुगतई, सत्येंद्रनाथ मजूमदार एट्सेट्रा, वॉज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ द बंगाल स्कूल। इनसे अलावा भी और आर्टिस्ट थे, बट यहाँ पर हम कुछ ही आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जब आपको इसका लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आता है या ओरिजिनल डेवलपमेंट आपसे पूछता है कि कैसे बंगाल स्कूल इमर्ज हुआ, तो उसके बारे में आप ये लिख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है द मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो यहाँ पर फीचर्स की बात करेंगे, ये 5, 6, 7 ही फीचर्स हैं, बहुत छोटा सा एक वो है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो अगर आपको 6 मार्क्स में जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप ये सब इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि मेन फीचर्स और ओरिजिनल डेवलपमेंट ये, एंड उस जो हमारी सिलेबस में पेंटिंग्स दी गई हैं उनके नेम और उनके आर्टिस्ट नेम लिख देंगे, तो ये इनफ रहेगा, ठीक है। फिर आता है द बंगाल स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग, यहाँ पर ये मिनिएचर पेंटिंग नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, क्योंकि मिनिएचर जो पेंटिंग्स थी हमारी जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती थी वो हमारी डेक्कन स्कूल तक ही थी, उसके बाद अब ये मॉडर्न पीरियड की पेंटिंग्स हैं, बंगाल की भी जो पेंटिंग्स हैं ये भी मॉडर्न में ही आती हैं, ठीक है। द बंगाल स्कूल एनरिच एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशनल वैल्यू एंड सेव इंडिया
फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ एक्सपरेशन। तो यहाँ पर हमारी जो इंडियन आर्ट थी पुरानी, उसको यहाँ पर सेव करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे बंगाल स्कूल को जाता है। ठीक है, द बंगाल स्कूल हैड अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ अजंता अलोरा पेंटिंग्स विच कुड बी क्लियरली सीन इन द पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल। अजंता एंड अलोरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, साथ में इसके राजपूत पेंटिंग्स एंड मुगल पेंटिंग्स भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। द जैपनीज वॉश टेक्निक विच वॉज यूरोपियन एंड द जैपनीज टेक्निक विद इंडियन टेम्परा इन इन वाटर कलर बिकम द हॉलमार्क ऑफ द बंगाल स्कूल। तो यहाँ पर जो जापान और यूरोप की हम एक टेक्निक कह सकते हैं, जो वॉश टेक्निक है, जिसमें पेपर को गीला किया जाता है, फिर कलर किया जाता है, फिर गीला किया जाता है, फिर कलर किया जाता है, ताकि उसके अंदर तक कलर चला जाए और उसमें जो पैचेस होते हैं कलर के, जो ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं, वो नहीं दिखते हैं उसमें, वो मिक्स हो जाता है ऐसा। जैसे अभी आप पेंटिंग देखेंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ पेंटिंग बनती है उससे, वॉश टेक्निक से। तो ये वहाँ का हॉलमार्क बना। जब हम ये आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वॉश टेक्निक से कैसी पेंटिंग्स बनी हैं। ठीक है, तो ये जो कहाँ की टेक्निक थी, जापानीज टेक्निक थी वॉश टेक्निक, लेकिन यहाँ पर हर पेंटिंग में आपको वॉश टेक्निक यूज़ होती हुई दिखेगी बंगाल स्कूल के, जो भी वाटर कलर से पेंटिंग हुई हैं। नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ मेस्टिक एंड मेलो स्टाइल बाय यूजिंग ग्लूमी कलरिंग विद द डिफ्यूज लाइट बैकग्राउंड। तो उनसे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब हम वॉश टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसमें मेस्टिक मेलो एंड यूजिंग ग्लूमी कलरिंग, जो कलर्स हैं उसमें ग्लूम दिखता है एंड लाइट जो है बहुत डिफ्यूज दिखती है, वैसे ही यहाँ पर कलर यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट, द बंगाल स्कूल ब्रॉट अ रेनेसेंस एंड डाइवर्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड द हेरिटेज ऑफ इंडियन आर्ट। तो जब यहाँ पर इंडिया ने ये पेंटिंग्स करना शुरू किया, ठीक है, जो हमारी पुरानी आर्ट थी उसको करना शुरू किया दोबारा से, और उसमें वॉश टेक्निक यूज़ करना शुरू किया, तो पूरे वर्ल्ड से लोगों का जो अटेंशन है वो इन्होंने अपनी तरफ किया। देन द बंगाल स्कूल ब्रॉट अ रेनेसेंस। द बंगाल स्कूल एनकरेज अ डीप स्टडी ऑफ एनाटोमी टू एड लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट थे वो ह्यूमन बॉडी के एक्सप्रेशन और उनको एग्जैक्ट दिखाने के लिए एनाटोमी की इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल एंड राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर किस किस का इन्फ्लुएंस देखना मिलता है आपको, तो यहाँ देखने को मिलता है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, अजंता अलोरा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स पे यहाँ पर पेंटिंग बनी है बंगाल स्कूल में, तो वो हम यहाँ देखेंगे। रिलीजियस थीम यहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस पेंटिंग्स यहाँ बनी हैं। एंड हिस्टोरिकल थीम, जो हमारी हिस्ट्री में उस टाइम पे देखने को मिलता था, उस थीम पर भी पेंटिंग बनी है। पैट्रियोटिक थीम यहाँ पर, क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था और स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो यहाँ पर पैट्रियोटिक पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारी भारत माता जिसमें मोस्ट फेमस है। एंड सोशल लाइफ, बर्ड्स, एनिमल एंड लैंडस्केप्स, तो ये पेंटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ पर हमें पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है अप्रिशिएशन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल। तो यहाँ पर बंगाल स्कूल में कौन कौन सी पेंटिंग हुई हैं और कैसी पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चार पेंटिंग आपकी टर्म टू के सिलेबस में रखी हुई हैं, जिसमें आपको जर्नीज एंड अवनींद्रनाथ टैगोर की, शिव एंड सती नंदलाल बोस की, राधिका एम ए आर चुगतई की, एंड मेघ दूत राम गोपाल विजयवर्गीय की, ये चार पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हमने यहाँ पर बहुत शॉर्ट रखा है इन पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है, बट आप यहाँ पर पेंटिंग को अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में इसकी तारीफ लिख करके आएँ। कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, उन पॉइंट्स से आप जोड़ जोड़ के अपनी जितनी भी तारीफ आप पेंटिंग्स की करेंगे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये लिखना तो बहुत ज़रूरी है, क्लियरली अलग से आप, जैसे यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है वैसे बना के लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। इसमें सिर्फ जब एग्जामिनर चेक करेगा तो यहाँ पर ही उसकी नज़र जाएगी, फिर नीचे उसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो अब हमें पता है कि पेंटिंग के बारे में लिख रखा होगा, पेंटिंग की तारीफ कर रखी होगी, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर लिखना है आपको, जैसे टाइटल हो गया जर्नीज एंड। और यहाँ पर जब आपने हमारे क्वेश्चंस देखे होंगे तो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, पेंटिंग के बारे में उसमें कुछ दे रखा होगा, ठीक है, आपको पहचानना है कि वो कौन सी पेंटिंग है, फिर आपको उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर टाइटल पेंटिंग का क्या है, जर्नीज एंड, अवनींद्रनाथ टैगोर इसके आर्टिस्ट हैं, पीरियड मॉडर्न है, बंगाल स्कूल की जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनका पीरियड मॉडर्न ही लिखा जाएगा। एंड मीडियम यहाँ पर वाटर कलर ऑन पेपर, और टेक्निक यहाँ पर टेम्परा एंड वॉश। पहले हम टर्म वन में टेम्परा टेक्निक पढ़ी थी, यहाँ पर वॉश भी ऐड कर दी गई है, जो कि जापानीज टेक्निक है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे टेम्परा एंड वॉच यहाँ पर टेक्निका में देखने को मिलती है, और कलेक्शन इनका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA से याद रख सकते हैं आप, NGMA, ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। ओके सो ये, और फिर उसके बारे में पेंटिंग के बारे में यहाँ दो तीन लाइंस हमने लिखी हैं, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ कैमल। तो यहाँ ये तो हर पेंटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड इट्स डिपिक्ट द पेन ऑफ लाइफ थ्रू हिज हाफ ओपन आइज। तो हम जैसे पेंटिंग में देखते हैं कि जो हमारा ऊंट है, जो कैमल है, उसकी हाफ ओपन आइज हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है, इट्स क्लियरली शोज हाउ हिज लाइफ इज अबाउट टू एंड आफ्टर अ लॉन्ग एंड टाइनिंग जर्नी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वो उसकी जो जर्नी है लाइफ की, वो लगभग एंड ही होने वाली है। इसे हम ह्यूमन से भी रिलेट कर सकते हैं, जो ठीक है। एंड फ्रंट लेग्स आर बेंट ऑन द नीज वाइल हिज बैक लेग्स आर अपराइट। तो जैसा आप यहाँ पर पेंटिंग के अंदर देख रहे हैं, उसके जो आगे के जो लेग्स हैं वो जो है बेंट हो रखे हैं, और पीछे के अपराइट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, रेड येलो एंड ब्राउन वॉश ऑफ कलर्स गिव द बैकग्राउंड अ स्पेशल डिफ्यूज इफेक्ट ऑफ द सनसेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपकी पेंटिंग में, आप पेंटिंग में देख सकते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज नॉट येट गिवन अप होप एंड इज ट्राइंग टू गेट अप। उसने अभी तक अपनी होप नहीं छोड़ी है और वो अभी भी खड़े होने का जो है प्रयास कर रहा है, ठीक है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ द कैमल रेंडर्ड प्रॉपरली इन फाइन लाइन्स एंड डेलिकेटेड टोन्स। तो यहाँ पर कलर्स की टोन्स और इनकी फाइन लाइन्स देखेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा आपको मिक्सचर देखने को मिलता है, और ये आप इसे रियलिस्टिक जैसा ही हमें यहाँ देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, ठीक है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा जान के ज़रूर जाएंगे, अगर हम इसे याद भी नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे आर्टिस्ट के बारे में भी पूछ लिया जाए, लेकिन इसके चांसेस कम ही हैं, अगर होगा तो सिर्फ एक आधी क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला है। तो आपको सिर्फ पेंटिंग का ही पहचान करनी है। देखते हैं यहाँ पर, अवनींद्रनाथ टैगोर वॉज सीन एज अ फादर ऑफ नेशनलिस्ट एंड मॉडर्निज्म ऑफ इंडियन आर्ट। तो यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, या फिर फादर ऑफ मॉडर्निज्म कहा जा सकता है, या फिर बंगाल स्कूल के जो हेड थे उनका ये कहा जा सकता है, अवनींद्रनाथ टैगोर। एंड ही रिवाइव सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन। एंड अवनींद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन August 7, 1871 इन अ फेमस टैगोर फैमिली एट जोदासांको इन कोलकाता, नाउ कलकत्ता। तो इनकी जो फेमस जो टैगोर फैमिली है उससे ही बिलोंग करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से उनके ये भतीजे हैं। एंड ही गिव्स रीबर्थ व्हेन बोथ द इंडियन आर्ट एंड द ट्रेडिशंस वर डिक्लाइनिंग ड्यू टू मिस प्रोपेगेंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो जो मिस प्रोपेगेंडा ब्रिटिशर्स ने फैलाया था कि इंडियन आर्ट जो है उसमें कोई रिचनेस नहीं है, वो बेकार आर्ट है, आप लोगों को यूरोपियंस आर्ट करनी चाहिए जो कि रियलिस्टिक है और बहुत रिच है, बट इन्होंने उनके अगेंस्ट यहाँ पर पेंटिंग करना शुरू किया था, आर्टिस्ट को इकट्ठा करना शुरू किया। और इनके कुछ फेमस आर्ट वर्कस हैं जो हैं भारत माता, ताजमहल, डेथ ऑफ शाहजहाँ, द इवनिंग ऑफ लाइफ, द फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट एंड माउंटेन ट्रैवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट एंड अ सीरीज ऑफ द 45 पेंटिंग बेस्ड ऑन द अब अरेबियन नाइट्स एटसेट्रा। तो ये इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड सम इम्पोर्टेंट अबाउट हिम, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जर्नीज एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन प्रवासी मैगजीन में सबसे पहले जो पेंटिंग पब्लिश हुई वो इनकी है, जर्नीज एंड। एंड अवनींद्रनाथ टैगोर इज नोन एज अ फादर मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। तो मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के फादर अवनींद्रनाथ टैगोर कहे जाते हैं। ई बी हैवल, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज इन कोलकाता, ऑफर हिम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कॉलेज इन कोलकाता। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है दूसरी पेंटिंग हमारी, शिव एंड सती, ठीक है। शिव एंड सती को बनाया है नंदलाल बोस ने, पीरियड मॉडर्न एंड मीडियम वाटर कलर, और कलर इसमें थोड़े अलग यूज़ किए गए हैं, जो कि सेपिया, रेडिश ब्राउन कलर, मोनोक्रोम फोटोग्राफी टाइप। तो जैसी मोनोक्रोम फोटोग्राफी होती है उस टाइप का यहाँ पर कलर यूज़ किया है, एक ही कलर के यहाँ पर हमें शेड्स देखने को मिलते हैं जो कि ब्राउन कलर के शेड्स हैं, रेडिश ब्राउन कलर के। टेक्निक यहाँ पर टेम्परा एंड वॉश यूज़ की गई है, कलेक्शन वही NGMA। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, आप यहाँ पर पेंटिंग को देख लीजिए, इसमें जो भी आपको दिखता है वो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें आप लिख करके इसमें और तारीफें ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग एंड दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन अ मैथोलॉजिकल बुक एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ नंदलाल बोस एंड वी कैन सी शेडोज
shades of brown colors, and Lord Shiva sitting with a sad face and looking helpless, and his hands are stretched and holding his wife who is looking unconscious, and behind the Shiva's head a light halo in form of the sun. Sati has been shown laying on his lap, and whole composition is smooth, rhythmic and sharp. Okay, and इसमें आप देखेंगे कि ये एक स्टोरी बेस्ड है, यहाँ पर ना एक ही स्टोरी है शिव एंड सती जी की, तो ये उस स्टोरी के ऊपर है, और आप यहाँ पर स्टोरी भी ऐड कर सकते हैं पेंटिंग में, जिन लोगों को इसको स्टोरी आती है, ये स्टोरी पता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर जो नंदलाल बोस हैं आर्टिस्ट, उन्होंने उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वो बोस वॉज बॉर्न एट मुंगेर खड़गपुर ऑन December 3, 1883, स्टूडेंट ऑफ आर्ट कॉलेज कोलकाता। ही असिस्ट इंग्लिश म्यूरल पेंटर लेडी हरिंगम। तो लेडी हरिंगम एक म्यूरल आर्टिस्ट थी, म्यूरल आर्टिस्ट मतलब जो वॉल पेंटिंग्स वगैरह की करते हैं, ठीक है। एंड टू प्रिपेयर द फैसिमिलीज ऑफ म्यूरल ऑफ द अजंता एंड बाग केव्स। तो बाग और अजंता केव्स के जो है जो म्यूरल है वहाँ पर, तो उनकी कॉपी करने के लिए इन्होंने असिस्ट किया था लेडी हरिंगम को, जो यूरोप से आकर के यहाँ की पेंटिंग्स को जो है पेंट करके ले जा रही थी। ओके, एंड हिज फेमस पेंटिंग आर सती, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन एंड पार्थ सारथी, रिटर्निंग ऑफ बुद्धा, स्वर्ण कैलाश, शिवलोक, सुजाता, उमा, वीना वादनी, अर्धनारेश्वर एंड वृक्षारोपण, टिलर ऑफ द सॉयल। टिलर ऑफ द सॉयल इज़ वेरी फेमस पेंटिंग्स, एंड मदर एंड चाइल्ड। तो ये इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं। एंड हिज लिनोकट मेड ऑन दांडी मार्च इज़ वेरी फेमस। लिनोकट होता है एक प्रिंट मेकिंग की टेक्निक होती है, वो लिनोकट, तो वो उसमें दांडी मार्च इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें गांधी जी को डिपिक्ट किया गया है, वो इनकी काफ़ी फेमस है। एंड इन 1920 ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ कला भवन। तो कला भवन के प्रिंसिपल ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बाद इनको कला भवन का प्रिंसिपल बनाया गया कोलकाता का। इन 1961 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द एम्बलिशमेंट ऑफ द पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया था 1961 में। एंड ही वर्क इन इंडियन फोक आर्ट एंड ही इन्फ्लुएंस्ड बाय अजंता एंड बाग केव्स म्यूरल पेंटिंग्स। तो जैसे कि ये म्यूरल पेंटिंग की कॉपी करने के लिए गए थे, तो इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा और इन्होंने वहाँ से सीख करके पेंटिंग करना शुरू किया उनके जैसी। एंड गांधी जी इन्वाइटेड हिम टू पेंट हरिपुरा पैनल फॉर कांग्रेस सेशन एट हरिपुरा इन 1937। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट टू द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट पेंटिंग आती है आपकी राधिका। तो राधिका में आपको MAR चुगते की पेंटिंग है ये, एंड पीरियड मॉडर्न, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा एंड वॉश, एंड कलेक्शन इसका NGMA में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर आप राधिका की। तो राधिका यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, कितनी स्मूथ पेंटिंग है, ये सब हो पाया ये वॉश टेक्निक के इससे। एंड राधिका इज़ वन ऑफ द चुगताई बेस्ट वॉक, एंड द सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन हिंदू मैथोलॉजी। सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड लाइंस हैव यूज्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्ट लाइन वो होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली लाइंस होती हैं, एंड वो लगभग मिक्स हुई हुई होती हैं जिस कलर के ऊपर उनको किया गया होता है। एंड सी इज़ होल्डिंग अ लोटस फ्लावर्स इन बोथ द हैंड्स, एंड हनी बी इज़ शोन सिटिंग ऑन द फ्लावर। तो यहाँ पर हनी बी हमें देखने को मिल रही है फ्लावर पे। एंड सी इज़ वियरिंग अ येलो ओढ़नी, रेड ब्लाउज एंड पर्पल लहंगा, एंड इन द बैकग्राउंड लैम्प शेड इज शोन विद द बर्निंग फ्लेम एंड स्मोक इन मुगल मिनिएचर मैनर। इनका मुगलों से जो है ना इनका काफ़ी गहरा संबंध है, तो इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मुगल इफेक्ट भी इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। द लाइट्स एंड शेड्स ऑफ द बैकग्राउंड रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट हाइएस्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इट इज एज इफ पोएम फाइंड्स विजुअल फॉर्म। तो ये एक पोएम जैसी ही हमें पेंटिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस हमें देखने को मिलती है। जैसे हम तारीफ़ें करते हैं पोएम में किसी चीज़ की, तो वैसे यहाँ पर पेंटिंग जब हम देखते हैं तो इसमें उसकी नाजुकता दिख रही है हमें राधिका की, और इसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिकिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे कि ये पेंटिंग किया करते थे। अब MAR चुगताई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई नाम है इनका पूरा। वॉज बॉर्न इन लाहौर इन 1897 एंड ही वॉज डिसेंडेंट्स ऑफ उस्ताद अहमद लाहौरी, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ शाहजहां। तो ये शाहजहां का जो चीफ आर्किटेक्ट था जिसने ताजमहल बनाया था, उसके यहाँ पोते हैं भाई ये, उनकी किस पीढ़ी के ये एक वो हैं, ठीक है।
ही वॉज ऑल्सो द डिज़ाइनर ऑफ द जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड ताजमहल इन आगरा, जो इनके जिसके डिसेंडेड हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने ये सब यहाँ डिज़ाइन किए थे। शाहजहाँ के चीफ आर्किटेक्ट तभी तो कहे जाते थे। फिर आता है एम ए आर चुगतई इन्फ्लुएंस्ड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर एंड नंदलाल बोस। तो ये इन तीनों से इन्फ्लुएंस्ड थे, जो कि ग्रेट आर्टिस्ट हैं बंगाल स्कूल के। एंड नेक्स्ट ही ऑल्सो पेंटेड हिस्ट्री ऑफ द इंडो इस्लामिक राजपूत एंड मुगल वर्ल्ड, एंड द करेक्टर इज ड्रॉन ग्रेटफुली विद द लिरिक क्वालिटी ऑफ ग्रेफ कैलीग्राफी इन एवरी लाइन। तो यहाँ पर जो इनकी जो पेंटिंग्स हैं, जो लाइंस हैं, जो रिदम है इनकी पेंटिंग्स में, वो कैलीग्राफिक लगभग स्टाइल में रहता है। इनके कुछ अदर वर्क हैं जो कि ग्लूमी राधिका, उमर खयाम, ड्रीम एंड हीरामन तोता, लेडी अंडर अ ट्री, म्यूजिशियन लेडी, मैन बिहाइंड अ टॉम, लेडी बिसाइड्स द ग्रेव एंड लेडी लाइटिंग अ लैम्प, एंड बेस्ड ऑन द पोइट्रिक ऑफ मिर्जा गालिब एंड इकबाल एंड उमर खयाम। तो ये इन जो फेमस जो पोइट हैं हमारे, मिर्जा गालिब, इकबाल एंड उमर खयाम, ये शायद पाकिस्तान के हैं। एंड ही यूज्ड टू एग्जिबिट हिज पेंटिंग इन लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड फिलाडेल्फिया। मिर्जा गालिब यहाँ पर इंडियन है यार। ओके, नेक्स्ट आता है मेघदूत पेंटिंग रामगोपाल विजयवर्गीय की बनाई हुई है, मॉडर्न इसका पीरियड है, एंड मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा एंड कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो मेघदूत इज़ अ सीरीज विच कंसिस्ट 50-70 पेंटिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास कोई बुक होगी तो उसमें यहाँ एक कोई दूसरी पेंटिंग भी दी गई होगी, लेकिन जो उनका स्टाइल होगा पेंटिंग्स वगैरह बनाने का, उसमें क्लाउड्स वगैरह का, तो वो इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक सीरीज़ है 50-70 पेंटिंग्स की। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पेंटिंग्स और भी आपको देखने को मिल सकती हैं रामगोपाल विजयवर्गीय की, बट उनका स्टाइल जो है वो स्टाइल विजयवर्गीय का ही होगा। सीरीज़ बेस्ड ऑन द फेमस संस्कृत क्लासिक अभिजानम शकुंतलम रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास की पेंटिंग जो अभिजान शकुंतलम लिखी हुई है, उसके ऊपर इन्होंने पेंटिंग्स की सीरीज बनाई है। एंड इन दिस पेंटिंग द क्लाउड मैसेंजर मेघदूत इज शोन टेकिंग यक्षराज मैसेज टू हिज कंसर्न ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इस पेंटिंग में मैसेंजर मेघदूत जो है वो यक्षा का मैसेज लेते हुए दिखते हैं या फिर लिखते हुए दिखते हैं। दिस पेंटिंग हैज अ क्लियर इफेक्ट ऑफ अजंता स्टाइल विद द बंगाली इम्पैक्ट। द यक्षा इज शोन सिटिंग इन अ नी डाउन पोस्चर इन अ प्रोफाइल विद द सॉफ्ट स्माइलिंग फेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी पेंटिंग में, एंड ही हैज़ सम वाइल्ड फ्लावर्स इन हिज लॉन्ग एंड थिन लेफ्ट हैंड, एंड ही इज शोन इन इंडल्ज्ड इन राइटिंग अ लव लेटर इन द मिडस्ट ऑफ द विब्रेंट फॉरेस्ट साइट इन द लैप ऑफ द नेचर। द क्लाउड्स फुल ऑफ रेन आर शोन फ्लोटिंग वेरी क्लोज टू यक्षा एज इफ दे वर ईगर एंड एक्साइटेड, एंड द क्लाउड्स आर लुक्स नेचुरल एंड अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स जो हैं यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा करीब, और ये वाइल्ड क्लाउड्स लग रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब रामगोपाल विजयवर्गीय की बात कर लेते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। रामगोपाल विजयवर्गीय वॉज एन आर्टिस्ट फ्रॉम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट इन जयपुर राजस्थान, एंड आशीष कुमार हल्द्वार वॉज द प्रिंसिपल ऑफ महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स इन जयपुर, एंड द आर्टिस्ट शैलेंद्र नाथ डे whom he considered his guru, and he was also as a poet and a writer. तो यहाँ पर जो शैलेंद्रनाथ डे हैं, इन्होंने बताया कि ये वो इनके गुरु थे। ओके, शैलेंद्रनाथ डे जो है इनके गुरु थे, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोइट एंड राइटर, एंड ही वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑफ राजस्थान कला मंदिर एंड राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट 1945-1966, एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अजंता एंड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, एंड हिज वर्क इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द जनरेशन टू कम for the extraordinary contribution to the worlds of art, and he was awarded the Padma Shri in 1984 by the government of India.
नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स। तो ये अगर हो सकता है तो एक क्वेश्चन आ सकता है इसका कि कैसे कंट्रीब्यूट किया इंडियन आर्टिस्ट ने स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं द फर्स्ट कंसोलिडेटेड इंडियन एफर्ट फॉर फ्रीडम इन 1857 AD। तो आपको पता ही है 1857 वाली क्रांति का। एंड इट वॉज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश प्रोपेगेंडा स्प्रेड द हेट अबाउट इंडियन एंशिएंट नॉलेज रिलेटिंग टू इंडियन ट्रेडिशन एंड आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो उनका प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ ये मूवमेंट था एक, और जो भी ब्रिटिश की पॉलिसीज थी इंडियन के ऊपर थोपी गई थी उनके खिलाफ ये मूवमेंट था 1857 वाला। तो उसमें ही इंडियन आर्टिस्ट ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसको जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता था उसने वैसे कंट्रीब्यूट किया। फिर आता है स्प्रेड अबाउट द ब्रिटिश सिविलाइजेशन एंड नॉलेज एंड लाइफ स्टाइल वर बींग टोल्ड एक्सलेंस। तो जो भी ब्रिटिशर्स थे वो अपनी जितनी भी सिविलाइजेशंस एंड उनकी नॉलेज और उनकी जितना भी कल्चर है उसको रिच बताते थे, और आपके हमारे कल्चर को जो है उन्होंने नीचा ही दिखाया। और पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे, पुरानी पेंटिंग्स उनकी ब्रिटिशर्स की उस टाइम की बनी हुई, तो आपको पता लगेगा कि इंडिया को कितना नीचा उन्होंने दिखाया उनकी पेंटिंग। Numerous English literate Indian youngster seems to be agree with that vicious propaganda. तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे अंग्रेज, मतलब इंडियन अंग्रेज जो लड़के थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं कि उनके साथ एग्री कर रहे थे कि हाँ भाई आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया का कोई कल्चर नहीं है अच्छा और आपके स्टाइल सबसे बढ़िया है। बट अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियंस स्टैंडिंग अगेंस्ट ट्रिक बींग अप्लाइड बाय द ब्रिटिश रूलर्स बट ऑल्सो देवर प्राउड ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन नॉलेज कल्चर एंड आर्ट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ऐसे भी थे जो कि अपने इंडियन चीज़ों पर गर्व करते थे और उनको अपना ही एंशियंट एंड सिविलाइजेशन नॉलेज कल्चर एंड आर्ट्स सबसे बढ़िया लगता था, जो कि है। एंड नेक्स्ट, सम ऑफ दोज persons who started stabilizing such an organization that could jolt the British species propaganda. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पर्सन ऐसे भी थे जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे थे, छुप छुप के ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, और जो कि एक साथ धमाका करने वाले थे ब्रिटिश प्रोपेगेंडा के खिलाफ। एंड द initiations of this type began from Kolkata now Kolkata। तो ये जिस टाइप के जितने भी वो थे ये कोलकाता से ही स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पर ही ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोटेस्टर थे वहाँ से उभरे। They had started stabilizing culture and social and political organizations. तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हुए जो कि किसी ना किसी तरह से खिलाफ थे जो प्रोपेगेंडा था ब्रिटिशर्स का। एंड थ्रू द पेंटिंग्स ऑफ भारत माता एंड ओपरी हवा के सिद्ध लोग एंड अवनींद्रनाथ टैगोर स्टेबलाइज द पैटर्न ऑफ पैटर्निज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवनींद्रनाथ ने पैटर्निज्म जो है सेट किया ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बना करके। तो जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत पेंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर मिलता है और जो भी आपको याद रहता है इसमें से वो आप इसमें लिखाएंगे आराम से, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे पेंटिंग्स वर प्रेज्ड एवरीवेयर। जो इनकी पेंटिंग्स थी वो हर जगह प्रेज हो रही थी, प्रवासी मैगजीन में पेंटिंग छपती थी और वो हर जगह मैगजीन जाती थी तो ये हर जगह देखी जाती थी। जैसे कि सबसे फेमस पेंटिंग उस टाइम की भारत माता वन अदर पेंटिंग्स विच टीम्स विद द रियलिटी वॉज मेड बाई अमृता शेरगिल एंड अमृता पेंटेड पेंटिंग इन ऑयल कलर एंड मीडियम। तो यहाँ पर आपको दो पेंटिंग देखने को मिल रही हैं, आप इसमें खुद से भी आप बता सकते हैं कौन सी वॉश टेक्निक में बनी हुई है और कौन सी आपको यहाँ पर ऑयल पेंट में बनी हुई दिख रही है, ठीक है। जैसे कि इसमें कितना बढ़िया मिक्सचर हमें देखने को मिलता है, ये है हमारी वॉश टेक्निक और ये है हमारी ऑयल पेंटिंग, ये अवनींद्रनाथ की है और ये अमृता शेरगिल की है, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, आफ्टर जलियांवाला बाग मैसकेयर गगनेंद्रनाथ कार्टून पंजाब में शांति घोषित डिक्लेयर्स और पीस इन पंजाब स्ट्रेंथेंड द इंडियंस हेटर्स टूवर्ड द इंग्लिश। तो यहाँ पर जब जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, जब जलियांवाला बाग में बहुत सारे इंडियंस को मारा गया था, तो उस टाइम पे गगनेंद्रनाथ टैगोर ने एक कार्टून बनाया था जिसका नाम था पंजाब में शांति घोषित। तो उसे देख करके और इंडियन लोग जो है भड़क गए इंग्लिश के और ब्रिटिशर्स के खिलाफ,
तो ऐसे ऐसे करके ये सारे लोगों को एकत्र कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्टिस्ट। ठीक है, नंदलाल बोस पेंट लाइक सती एंड द डेथ ऑफ सती एंड द गॉड ऑफ फायर अग्नि देवता एंड डिड द वर्क रिस्टोरिंग टू लाइफ द इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। एंड इन 1938 नंदलाल बोस डेलिनेटेड इंडियन फोक आर्ट एंड द इंडियन पब्लिक लाइफ ऑन द पैनल ऑफ पवेलियन मेड ऑफ द हरिपुरा मेड फॉर द हरिपुरा कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी ने इनको इन्वाइट किया था पेंडाल को डिजाइन करने। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, डी पी रॉय चौधरी, असित कुमार हल्दार, सितेंद्रनाथ मजूमदार एटसेट्रा वर प्रेज्ड नेशनलिज्म इन द कंट्री। तो ये नेशनलिज्म फैला रहे थे और आपकी जो पेंटिंग्स थी उस टाइम की वो ये आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं जो नंदलाल बोस ने उस हरिपुरा पैनल में बनाई थी। ठीक है, ये पेंटिंग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में दे नहीं रखी है, बस ये हमने पेंटिंग इसलिए दिखाई है कि हरिपुरा पैनल में ये पेंटिंग हो रखी थी। अब आता है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया में मॉडर्न ट्रेंड्स कैसे आया, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट या फिर बंगाल स्कूल का जो मूवमेंट था या रिबर्थ ऑफ इंडियन आर्ट था उसको ही प्रेज कर रहे थे और उस टाइप की पेंटिंग्स ही बना रहे थे। फिर ये कैसे मॉडर्न में कन्वर्ट हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देखते हैं बाय मिड एंड द लेट 19th सेंचुरी आर्ट स्कूल वर एस्टेब्लाइज्ड इन मेजर सिटीज लाइक लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो यहाँ पर ऐसे सर हर सिटी में हमें जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें आर्ट कॉलेजेस एस्टेब्लिश होते हुए दिख रहे थे। एंड दीज आर्ट स्कूल प्रोमोटेड ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट एंड एकेडमिक एंड नेशनल नेचुरलिस्टिक आर्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन क्राफ्ट एंड एकेडमिक, मतलब जो हमारे ब्रिटिशर्स का जो सिलेबस था वो, एंड नेचुरलिस्टिक, ये एकेडमिक और नेचुरलिस्टिक एक ही है जो कि रियलिस्टिक को कह सकते हैं। द बंगाल स्कूल विच हैड गेन पॉपुलरिटी अर्लियर नाउ केम टू बी कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो जो हमारा बंगाल स्कूल वो बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा था, अब उसे कंजर्वेटिव लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, आर्टिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि ये एक ही चीज़ पे पेंटिंग कर रहे हैं और इन्होंने एक जगह बांध के रख दिया है आर्टिस्ट को, ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं, ये हमें मतलब खुले दिल से अपने विचारों की पेंटिंग नहीं करने देते, सिर्फ ये इंडिया का जो हमारे पुराना कल्चर है वही हमारे ऊपर थोक रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे गगनेंद्रनाथ एंड पोएट रविंद्रनाथ दस न्यू अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेंड्स ऑफ क्यूबिज्म एंड एक्सप्रेनिज्म। ये जो क्यूबिज्म दिख रहा है यहाँ पर जो पेंटिंग्स है ये मॉडर्न पेंटिंग, तो ये गगनेंद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर समझ गए थे कि जो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जो पेंटिंग हो रही है यहाँ पर रियलिस्टिकनेस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और कुछ क्रिएटिव पेंटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं जो कि मॉडर्न पेंटिंग कहलाती थी उस टाइम पे। ठीक है, आर्ट नीड नॉट कॉपी द वर्ल्ड बट क्रिएट इट्स ओन वर्ल्ड आउट ऑफ फॉर्म्स, लाइन्स एंड कलर एंड पैचेस। तो ये जो चाहते थे गगनेंद्रनाथ एंड रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे थे कि जो हमारी आर्ट है वो वर्ल्ड की कॉपी नहीं होनी चाहिए, दुनिया की कॉपी नहीं होनी चाहिए कि जैसी दुनिया में चीज़ें दिख रही हैं वैसी कॉपी करो, बल्कि आप ऐसी आर्ट बनाओ जो कि एक अलग दुनिया हो, जो यहाँ दुनिया की चीज़ें उसमें ना दिखाई गई हों, हो ऐसी बट उसमें कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव चीज़ें उसमें दिखाई गई हों, तो वैसी आप यहाँ पर मॉडर्न आर्ट देख रहे हैं। मैनी आर्टिस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द आर्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन न्यू ट्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं अपना अपना एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे कि हम जो है नई ट्रेंड्स लेकर के आ रहे हैं, हम मॉडर्न पेंटिंग कर रहे हैं। एंड तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, द इंडो यूरोपियन आर्ट कुड नॉट गेट पॉपुलरिटी सो द आर्टिस्ट लेफ्ट पेंटिंग एंड स्टार्टेड डूइंग अदर जॉब्स फॉर अ लिवलीहुड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे ना वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, कैसे हम मॉडर्न ट्रेंड्स में अपने आप को लेकर के आए, इंडो यूरोपियन आर्ट में कैसे हम खुद को ढालें और कैसी पेंटिंग्स करें। तो उन्होंने पेंटिंग करना छोड़ दिया कि हम ट्रेडिशन जो पेंटिंग थी हमारी उसे लोग कबूल नहीं कर रहे थे और जो मॉडर्न था वो उनसे बन नहीं पा रहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसमें हमें देखने को मिलते हैं राजा रवि वर्मा वॉज बॉर्न एंड पेंटेड इंडियन मैथोलॉजिकल थीम्स इन यूरोपियन स्टाइल। तो राजा रवि वर्मा जो फेमस आर्टिस्ट हैं इंडिया के, सबसे पहले ऑयल पेंट यूज़ करने वाले, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारी मैथोलॉजिकल थीम्स हैं इंडिया की जिसमें गॉड्स एंड गोडेज एंड जितनी भी स्टोरीज हैं उनके ऊपर वो पेंटिंग्स बनाते थे बट यूरोपियन स्टाइल में। थीम्स इंडियन रहती थी और स्टाइल उनका यूरोपियन होता था। यूरोपियन स्टाइल आपको पता है कि रियलिस्टिक स्टाइल होता है, तो वही
यूज़ कर रहे थे एंड हिज टेक्निक एंड मीन्स वो वॉज ऑल यूरोपियन, उनकी जो टेक्निक थी सब कुछ यूरोपियन था उनका, बस थीम जो है इंडियन थे एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट इमेंस, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इमेंस है भाई इंडियन आर्ट में, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, उनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। हिज पेंटिंग आर रियलिस्टिक एंड हिज ओलियोग्राफ्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आर वर्शिप इन मिलियंस ऑफ होम इवन टूडे। तो उनकी जो पेंटिंग्स थी गॉड एंड गॉडेस की, पहले क्या होता था, पहले जो हमारी पुराना कल्चर था और कल्चरल आर्ट थी या ट्रेडिशनल आर्ट थी, उस टाइप की पेंटिंग्स बनाते थे गॉड एंड गॉडेस की, ड्राइंग बना करके पूजा करना शुरू करते थे। बस यहाँ पर जो राजा रवि वर्मा ने क्या किया, उन्होंने रियलिस्टिक फॉर्म में गॉड एंड गॉडेस को रिप्रेजेंट किया, रियलिस्टिक इंसान जैसे और बिल्कुल रियलिस्टिक, और जिनके ओलियोग्राफ्स, इन्होंने ओलियोग्राफ लगाया था, ठीक है, ओलियोग्राफ था प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस उसे कह सकते हैं, तो उससे इन्होंने अपनी पेंटिंग को प्रिंट करके सस्ते दामों में बेचा, तो हर इंडियन के पास ऐसी पेंटिंग्स पहुंच गई जिसमें गॉड एंड गॉडेस रियलिस्टिक दिखते थे। तो ये आज भी मिलियंस ऑफ फैमिली में इनके बनाए हुए पोर्ट्रेट पूजे जाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन होल वर्ल्ड, ओके। एंड इम्प्रेस्ड विद द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट सच एज फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एम एफ हुसैन, KH आरा एंड एस ए बाखरे, एच ए गड़े एंड एस एच रज़ा। तो ये जो आर्टिस्ट थे, ये मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट हैं, महाराष्ट्र बेस्ड आर्टिस्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया अपना, और ये नहीं करना चाहते थे जो हमारी बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स थी, वो ये वर्ल्ड लेवल की आर्ट करना चाहते थे। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था, ऑर्गेनाइजेशन नेम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है, और जिसे पैग भी कहा जाता है, इन 1947। तो इसमें 1947 में इन्होंने एक ग्रुप बनाया, और आप देख सकते हैं कि उस ग्रुप में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एफ एम सू एंड के एच आरा, एस ए बखरे, एच ए गढ़े एंड एस एच रज़ा। बट यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो एम एफ हुसैन है। ये आपको याद रखना है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में वो कौन से आर्टिस्ट हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं, ठीक है। Next, the artists of that group declined the style of the Bengal art and in place of that welcomed the international modern art. तो ये decline किया इन्होंने Bengal art का, और इन्होंने welcome किया international modern art का, ठीक है। And many artists introduced new standard in art. Some notable artists among them are Mukul Day, Manish Day, Ram Kinkar and Tayyab Mehta, Akbar Padamji and Promokar Karmokar and Narayan Ramcharan. रामचंद्रन। तो ये सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अब जो पुरानी आर्ट थी बंगाल आर्ट को डिक्लाइन कर दिया, और नई आर्ट इन्होंने शुरू की जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई हमारी मॉडर्न आर्ट। तो यहाँ पर इसके दो क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं अपनी क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट अब आता है पेंट। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेंटिंग कौन सी है, और ग्राफिक प्रिंट कौन सा है, और स्कल्पचर कौन सा है। तो इनको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं कि किसी पेंटिंग को आप ग्राफिक प्रिंट में समझ ले रहे हैं और ग्राफिक प्रिंट को स्कल्पचर समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो पेंटिंग क्या होता है भाई, पेंटिंग में सिर्फ क्या किया जाता है, ब्रश एंड कलर से पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। सिंपल सा एक वो है, ब्रश उठाएंगे पेंटिंग करेंगे, ठीक है। और ग्राफिक प्रिंट में कोई एक सरफेस लेते हैं और उसे एनग्रेव करके या फिर खुर्च के एक कोई डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उस पर कलर लगा के पेपर से प्रिंट लेते हैं, वो हो गया ग्राफिक प्रिंट। और स्कल्पचर होता है मूर्ति जिसमें बनाई जाती है, 3D फॉर्म, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, यहाँ पर हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं। तो पेंटिंग में अब हम देखेंगे कि फोर पेंटिंग आपके सिलेबस में रखी हुई हैं। फोर पेंटिंग में क्या है, राम वेंकशिंग, प्राइड ऑफ द ओशन, मदर टेरेसा, मदर एंड चाइल्ड एंड हल्दी ग्राइंडर। और इनके जो आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन, जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल। तो ये आपको याद रखना है, ये एक तो ये लिस्ट भी याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। और फिर आपकी पेंटिंग में क्या क्या चीज़ दिखाई गई है, उस चीज़ को पहचान करके आपको पेंटिंग पहचाननी होगी, क्योंकि आपसे कुछ भी थोड़ा बहुत पेंटिंग के बारे में दिखाया बताया जाएगा, और फिर आपको पहचानना है, पेंटिंग का नाम लिखना है, पेंटर का नाम लिखना है, पीरियड, मॉडर्न और मीडियम एंड कलेक्शन, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन अगर आप ना भी लिखेंगे तो आप चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन थोड़ा अलग अलग हो रखा है। अलग अलग मीन्स कि यहाँ पर एकाध पेंटिंग का जो कलेक्शन है वो
अलग है और बाकी तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे हम पहली पेंटिंग देख रहे हैं, राम वेंकटेशिंग प्राइड ऑफ द ओशन, पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा, पीरियड मॉडर्न एंड मीडियम ऑयल कलर ऑन कैनवस। तो यहाँ पर सब अभी पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी पेंटिंग के पूरे सिलेबस में पहला एक पेंटिंग ऐसी आई है जिसमें ऑयल ऑन कैनवस देखने को मिला है, वरना अभी तक वाटर कलर की ही बात हो रही थी। तो यहाँ पर ये मिक्सचर है, यहाँ पर पेंटिंग की जो आपका चैप्टर है ये, तो इसमें अब मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, इसमें ऑयल कलर आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक्रेलिक कलर आपको देखने को मिलेगा, इसमें वाटर कलर भी आपको देखने को मिलेगा, तो सारे अलग अलग कलर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका सरका 19th century है, सरका याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सरका आपका थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो किसी और का आप लिख देते हैं कई बार, तो ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपसे पूछा जाए वही लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। कलेक्शन इसका चित्रशाला मैसूर कर्नाटका। कंपोजिशन की बात करें, अब कंपोजिशन क्या होता है भाई, अभी हम जितनी भी पेंटिंग पढ़ रहे थे तो कंपोजिशन में होता है, पेंटिंग के बारे में जितना भी कुछ है वो बताया जाता है, वो कंपोजिशन के अंदर बताया जाता है। और एक होता है सब्जेक्ट मैटर, वो आपसे पूछ भी लिया जाता है कि सब्जेक्ट मैटर भी लिखिए, तो सब्जेक्ट मैटर में होता है कि वो किस सब्जेक्ट पर बनी हुई है, क्या थीम है उस पेंटिंग की, तो वो चीज आपको वहां पर देखनी होती है। कंपोजिशन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन अ सीन फ्रॉम वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के रामायण से ये सीन लिया गया है। दिस इज पौराणिक एंशिएंट मैथोलॉजिकल स्टोरी थी थीम्स पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा, ओके, एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन पेंटर्स टू यूज ऑयल पेंट एंड मास्टर द आर्ट ऑफ लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शंस फॉर द मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने ऑयल पेंट यूज़ करना शुरू किया था, और ये लिथोग्राफिक एंड रिप्रोडक्शन में भी माहिर थे, ठीक है, जैसे कि इन्होंने अपनी पेंटिंग्स की फिर प्रिंट करके और बहुत ज़्यादा पेंटिंग को फैलाया, बेची गई पेंटिंग इनकी। एंड ही यूज्ड इन द पेंटिंग द स्टाइल ऑफ एकेडमिक रियलिज्म, यहाँ पर एकेडमिक रियलिज्म ये अपनी पेंटिंग में यूज़ करते थे, जबकि इनकी थीम्स और जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंडियन होता था, और इनकी जो स्टाइल है वो एकेडमिक रियलिज्म या फिर यूरोपियन स्टाइल से कह सकते हैं। एंड इन दिस सीन राम needs to build a bridge in the southern Indian to the island of Lanka for his army to cross the ocean. तो ये वहाँ का सीन है, जब इस सीन के बाद राम जी ने जो है, जो इनकी मंकी आर्मी थी उसको इन्होंने ऑर्डर दिया था कि यहाँ से वहाँ तक का ब्रिज बनाइए इस समुद्र में, तो उससे पहले का ये सीन है। और इस सीन में आपको क्या दिख रहा है, उसमें वरुणा गॉड ऑफ ओशन नॉट गिविंग अ वे टू रीच लंका टू रामा, तो राम को ये जो है वे नहीं दे रहे थे जाने के लिए, तो इसमें राम इन एंगर स्टैंड्स टू शूट हिज फेरी एरो इन टू द ओशन, और ये यहाँ पर थोड़ा एंग्री दिख रहे हैं कि मैं ये पूरा जो समुद्र का पानी सुखा दूंगा अपनी एरो मार करके, ठीक है। द होल कंपोजिशन इज़ वेल बैलेंस्ड एंड डार्क कलर्स आर यूज्ड, यूरोपियन इफेक्ट इज क्वाइट विजिबल इन दिस पेंटिंग, तो यहाँ पर जो डार्क कलर्स हैं और रियलिज्म है वो यूरोपियन हमें देखने को मिलता है। और बाकी आप ये पूरी स्टोरीज की लिख करके आ सकते हैं अगर आपके ज़्यादा मार्क्स में ये आता है। तो राजा रवि वर्मा के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। राजा रवि वर्मा वॉज सेल्फ मेड आर्टिस्ट हु इज़ नॉन फॉर द इंट्रोड्यूसिंग ऑयल ऑन कैनवस इन इंडिया, ही कॉपीड देयर वर्क एज ओलियोग्राफ्स एंड वर सोल्ड इन मार्केट एंड एंटर्ड पीपल्स होम्स एज अ कैलेंडर इमेज, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन April 29, 1848 इन अ स्मॉल विलेज ऑफ केरला इन रॉयल फैमिली। इन एज ऑफ 14 ही वॉज सेंट टू प्रजेंट 3 मिनिएचर पेंटिंग्स टू द महाराजा ऑफ त्रिवनकोर, तो जब ये बहुत छोटे थे तब से इनके वैसे खून में ही पेंटिंग थी, ये स्टार्टिंग से पेंटिंग किया करते थे, तो इन्होंने जब 14 की एज में 3 पेंटिंग लेकर के गए मिनिएचर महाराजा त्रिवनकोर के सामने, तो वो बहुत इंप्रेस हुआ इनसे, एंड महाराजा रिकोगनाइज हिज टैलेंट एंड लेट हिम लर्न फ्रॉम अ प्लेस पेंटर रामास्वामी नायडू। तो इनके जो अभी गुरु कहे जा सकते हैं, जो फर्स्ट गुरु हैं इनके, वो रामास्वामी नायडू, तो महाराजा ने इनको जो है अपने वहाँ पर सीखने का जो है मौका दिया रामास्वामी नायडू से, जो कि कोर्ट पेंटर थे, कोर्ट में रहते थे उनके, ठीक है। एंड लेटर यूरोपियन आर्ट इनके जो दूसरे गुरु थे वो थियोडोर जैनसन, जिनसे इन्होंने ब्रिटिश पेंटिंग सीखी और इन्होंने यूरोपियन स्टाइल सीखा। नेक्स्ट ही पेंटेड इंडियन थीम्स ऑफ महाभारत एंड रामायण इन द यूरोपियन स्टाइल, एंड ही वॉज डिसलाइक्ड बाय द क्रिटिक्स फॉर यूजिंग मॉडल्स टू पेंट डेटीज़।
इन्होंने जो देवी देवताओं को जो पेंटिंग की है जिनकी, तो इन्होंने मॉडल्स यूज़ किए थे, लाइव मॉडल यूज़ करते थे, ये सामने खड़ा करते थे किसी मॉडल को एंड देन उससे पेंटिंग किया करते थे, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उस टाइम पे। एंड हीज अदर वेल नोन पेंटिंग्स, इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं श्री कृष्णा, हरिश्चंद्र एंड सुकेशी, रावण एंड जटायु एंड द विक्ट्री ऑफ ओवर इंद्रजीत, इंडियन फ्रूट सेलर, तो ये पेंटिंग्स इनकी फेमस पेंटिंग। नेक्स्ट आता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो पेंटिंग है वो एम एफ हुसैन की बनाई हुई है, इस पीरियड मॉडर्न, मीडियम ऑयल एंड एक्रेलिक कलर्स ऑन कैनवस, तो इसमें मिक्सचर आपको देखने को मिलता है ऑयल कलर और एक्रेलिक का, और ये भी कैनवस पे पेंटिंग बनी हुई है। सर का इसका दिया गया है लेकिन आप चाहें तो सर का ना भी याद करें। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, क्योंकि सर के में क्या है कई बुक्स में अलग अलग दिया गया है। कंपोजिशन की बात करें तो द फिगर ऑफ फेसलेस मदर अपीयर्स सेवरल टाइम्स ईच टाइम्स होल्डिंग अ बेबी विद लॉट्स ऑफ अटेंशन गिवन टू द हैंड, इसमें आप देख सकते हैं कि सेवरल टाइम इसमें विदाउट फेस वाले फीचर्स की लेडी दिखाई गई है यहाँ पर तीन, जो कि मदर टेरेसा है। ये सिर्फ इसकी जो चुन्नी है उससे पता चलता है कि ये मदर टेरेसा है। एंड दिस स्पीक्स ऑफ द आर्टिस्ट फैमिलियरिटी विद द यूरोपियन आर्ट, स्पेशली द फेमस स्कल्पचर ऑफ द इटालियन रेनेसेंस मास्टर माइकलोएंजेलो एंड पिएटा ऑफ बेंजिनटाइन चर्च। तो माइकलोएंजेलो एक यूरोपियन स्कल्प्टर रहे हैं और ये पेंटर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे, ये लियोनार्डो दा विंची और माइकलोएंजेलो, ये दोनों जो है एक ही टाइम के आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने बाइजेंटाइन चर्च में इनकी जो पेंटिंग्स हो रखी हैं तो उनसे यहाँ पर जब ये हमारे आर्टिस्ट एम एफ हुसैन वहाँ पर घूमने गए थे तो उनका प्रभाव पड़ा उनके स्टाइल का, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के ऐसी पेंटिंग्स बनाई। नेक्स्ट, द सेंट्रल फिगर्स ऑफ द सीटेड मदर हैज़ ग्रोन अप मैन लेइंग ऑन हर लैप हॉरिजॉन्टली एंड पेंटिंग लुक्स लाइक अ कॉलाज ऑफ पेपर कटआउट्स। ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं इसमें ना कई सारे ऐसे लगता है कि अलग अलग वो पोस्टर्स यहाँ पर पेस्ट किए गए हैं। एंड हुसैन गिव अस क्लू टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड हिज दिस फॉर मेकिंग फियरलेस फिगर फेसलेस फिगर्स, तो यहाँ पर इन्होंने स्टोरी छोड़ दी है कि आप लोग खुद समझते रहिए कि क्या मैं यहाँ पर डिपिक्ट करना चाहता हूँ फेस ना दिखा करके। तो यहाँ पर आप इस पेंटिंग के बारे में लिख सकते हैं और आप पहले तो आप ये समझ कर जाएंगे कि ये कौन सी पेंटिंग है जिसमें फेसलेस फिगर दिखाए गए हैं। फेसलेस एक प्रिंट मेकिंग में भी दिखाया गया है, तो आप ये दोनों ध्यान रखेंगे कि कौन सा पेंटिंग है और कौन सा प्रिंट मेकिंग है। आर्टिस्ट एम एफ हुसैन 1915 to 2021, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मकबूल फिदा हुसैन वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश ऑन September 17, 1915, स्कूलिंग फ्रॉम इंदौर एंड ही गोट एडमिटेड टू एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे बट हैड टू ड्रॉप आउट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी, तो इनका कॉलेज जो है छूट गया मनी की प्रॉब्लम की वजह से। एंड ही देन स्टार्टेड पेंटिंग पोस्टर फॉर द इंडियन सिनेमा, उस टाइम पर फ्लैक्सी नहीं बनती थी जो अभी सिनेमा की जो फ्लैक्सी वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, पहले पेंट किए जाते थे, पेंटर खुद जा करके पेंट करते थे जो भी नई मूवी आती थी उसके बारे में। एंड हिज क्रिएशन सुनहरा संसार वॉज एग्जिबिटेड इन बॉम्बे इन 1947 आफ्टर विच हीज गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, तो ये जो इनका सुनहरा संसार एक एग्जीबिशन हुई थी बॉम्बे में उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली एज अ पेंटर। एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बसोली स्कूल ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट लाइक पिकासो एंड जॉन ग्रेस। बसोली स्कूल जो है हमारा ये इंडियन स्कूल है एंड यूरोपियन और आर्टिस्ट एंड पाब्लो पिकासो एंड जॉन ग्रीस से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और उनके जैसी ही पेंटिंग करते थे, तभी इनको इंडियन पिकासो भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन पिकासो कौन किसको कहा जाता है और उसकी कौन सी आर्टिस्ट कौन सी पेंटिंग आपके सिलेबस में रखी हुई है। एंड हिज एग्जीक्यूशंस इज मॉडर्न बट थीम्स आर ट्रेडिशनल, तो ये जो पेंटिंग्स बनाते थे इन तो मॉडर्न रहती थी बट इनका जो थीम्स थे वो ट्रेडिशनल थे। एंड हिज पेंटिंग ऑन रामायण एंड महाभारत एक्सप्रेसिंग वॉयलेंस एंड इनजस्टिस आर वर्ल्ड फेमस, तो इनकी जो पेंटिंग्स थी महाभारत एंड रामायण की उस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे और इनको इंडिया से भी निकाल दिया गया था, इनकी सदस्यता छीन ली गई थी यहाँ से और इन्हें यहाँ से भागना पड़ा था या जाना पड़ा था कह सकते हैं। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनको तीन तीन अवार्ड मिल चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट से। एंड एम एफ हुसैन ऑल्सो नोन एज पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट आपका आता है मदर एंड चाइल्ड, जो नेक्स्ट पेंटिंग है उसमें आप देखेंगे जेमिनी रॉय, मदर एंड चाइल्ड एंड मदर टेरेसा दो पेंटिंग है आप ये ध्यान रखिएगा। पीरियड मॉडर्न मीडियम वाटर कलर इन पेपर एंड सर का इसका दे रखा है बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। कंपोजिशन इन दिस पेंटिंग अ मदर एंड हर चाइल्ड आर रेंडर्ड विद द बोल्डस्ट
सिंप्लीफिकेशंस एंड थिक आउटलाइन विद द स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स। तो यहाँ पर आप जैसे ये लाइंस देखेंगे तो ये बोल्ड लाइन है, ये बहुत पतली लाइन नहीं है जैसे हमें थिन लाइन देखने को मिलती थी, तो यहाँ पर बोल्ड लाइन यूज़ करी है आर्टिस्ट ने इसकी सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए। एंड फिगर्स आर कलर इन डल येलो एंड ब्रिक रेड बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो कलर है। एंड द टू डायमेंशनल नेचर ऑफ द पेंटिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पट पेंटिंग एंड हिज सर्च फॉर सिंपलिसिटी एंड प्योर फॉर्म इन विजिबल। तो इन्होंने जो रिसर्च किया था सिंपलिसिटी के ऊपर, जैसे कि ये गांव-गांव जाकर के इन्होंने ये सिंपलिसिटी सीखी, जो ट्रेडिशन है इंडियन गांवों का वो ये लेकर के आए, कैसी वहाँ पर पेंटिंग्स बनती हैं, कैसे बहुत ज़्यादा ईजी वे में वो पेंटिंग्स करते हैं, तो वो चीज़ यह यहाँ पर लेकर के आए हैं पेंटिंग्स में, वो देखने को मिलता है। रॉय बोरोड वॉल्यूम रिधम डेकोरेटिव क्लियरिटी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द पट इन हिज आर्ट वर्क। और पट जो है ये एक एरिया की पेंटिंग है, कोलकाता के साइड में पट पेंटिंग की जाती हैं, तो वो पेंटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, उसका यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। टू अचीव एंड लर्न द प्योरिटी ऑफ द पट पेंटिंग ही फर्स्ट मेड मैनी मोनोक्रोम ब्रशेज ड्राॅइंग्स एंड देन ग्रेजुअली मूव्स टू बेसिक सेवन कलर्स अप्लाइड विद द टेम्परा। तो सेवन बेसिक कलर ये अप्लाई करते थे, उन कलर के बारे में मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है आपको कि सेवन कलर वो यूज़ करते थे और मोनोक्रोम पहले बनाते थे, मतलब एक कलर से ही कोई फिगर उसमें ड्रॉ करने की कोशिश की जाती थी, बैकग्राउंड भी उसी कलर का, फिर उसके अंदर फिगर भी वही कलर का, फिर उसके बाद ये पेंटिंग में कलर यूज़ करते थे। और इसमें कौन कौन से कलर हैं, इंडियन रेड, येलो ओकर, कैडमियम ग्रीन एंड वर्मिलियन एंड चारकोल ग्रे, कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनाए जाते थे और फिर ये यूज़ करते थे। फिर आता है इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि ये क्या चीज़ है। जेमिनी रॉय वॉज बॉर्न इन 9 अप्रैल 1887 इन अ ब्लेज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंकुरा इन वेस्ट बंगाल। The richness and culture of village life contributed greatly to the cultural development of his later life, and he travels to the countrysides of Bengal to collect folk paintings, parts and learn from folk artisans. Folk artisans वो थे जो गाँवों में जो माताएं, बहनें, भाई लोग जो बनाते हैं घरों के दीवारों पे पेंटिंग्स, मिट्टी की ये चीज़ें, उनसे इन्होंने सीखा। From 1925 he started painting in the style of the patwas of Kalighat, and his paintings won international fame after exhibition in London in 1946 and in New York in 1953. And he was a long traveler. And art to him was a mission. ये बहुत long traveler थे और इनका art mission था. He was called the father of the folk artisan of India. तो father of folk artisan of India कौन कहे जाते हैं, जेमिनी रॉय, और father of modern art कौन कहे जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। Next painting आती है हल्दी ग्राइंडर। हल्दी ग्राइंडर जो है अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, पीरियड मॉडर्न, ऑयल ऑन कैनवस एंड कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप पेंटिंग में देख रहे हैं कि क्या इस पेंटिंग में दिखाया गया है। तो इसमें अमृता शेरगिल पेंटेड हल्दी ग्राइंडर इन 1940 में इन्होंने हल्दी ग्राइंडर पेंटिंग पेंट की है। और इसमें हल्दी ग्राइंडर का क्या मतलब है, लेडीज लोग उस टाइम की जो डे टू डे लाइफ में करती थी उस चीज़ों पर ये पेंटिंग करती थी, तो वहाँ पर हल्दी पीसी जाती थी महिलाओं द्वारा, तो वो यहाँ पर पेंट किया गया है। दिस वॉज द टाइम वेन शी वॉज सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियन आइडलिक रूरल सीन्स एंड द फोकस ऑन दिस अमृताज पेंटिंग इज intended for a showcase of the burden life of women in India and depicting Indian women busy in the traditional activity of grinding dry turmeric had to be painted in Indian style. तो जैसा हम देख रहे हैं इसमें कि ये dry turmeric मतलब हल्दी को पीसने की कोशिश कर रही हैं, सूखी हुई जो कड़क वाली जो हल्दी रहती है उसे पीसने की यहाँ पीस रही हैं यहाँ पर जो ladies हैं, और उनके जो कलर्स हैं क्लोथ्स के वो बड़े ही कह सकते हैं कि ये प्राइमरी कलर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। एंड हियर इन द पेंटिंग्स थ्री वीमेंस आर पोर्ट्रेट इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर्स प्लेन विद द येलो, वाइट एंड रेड सारीज एंड प्लेस विद इन द बैकग्राउंड्स ऑफ नेचर एंड द वीमेन एंड ट्रीज आर पेंटेड एज अ फ्लैट शेप। फ्लैट शेप क्या होता है, जिसमें हमें शेडो नहीं देखने को मिलती है, 3D फॉर्म नहीं देखने को मिलती है, उसे कहते हैं फ्लैट शेप। तो ये फ्लैट शेप में हमें देखने को मिलती हैं। एंड शेरगिल नॉट गिवन एंड एनी डेप्थ इन द लैंडस्केप एंड प्रेफर सेमी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न एज अ मॉडर्न आर्टिस्ट। तो इसमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इसमें डेप्थ नहीं दी है 3D टाइप की, और ये सिंपल
फ्लैट पेंटिंग इसे कह सकते हैं। अमृता शेरगिल के बारे में कुछ जान लेते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं रही है। अमृता शेरगिल वॉज बॉर्न इन बुदापेस्ट हंगरी ऑन जनवरी 1913 AD एंड हंगेरियन मदर एंड द स्कॉलरली इंडियन फादर ऑफ सिख रॉयल फैमिली। तो सिख इनके फादर थे और माता जो है इनकी हंगेरियन थी। एंड द फैमिली रिटर्न टू इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1921। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंडिया वापस आ गए थे। एंड द शी लर्न पेंटिंग फ्रॉम द इकोल नेशनल द फेमस आर्ट स्कूल इन फ्रांस। एंड आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट सिक्स ईयर इन यूरोप शी लॉन्ग टू कम बैक टू इंडिया। फ्रॉम 1935 ऑनवर्ड आफ्टर शी केम बैक टू इंडिया टिल हर डेथ एट द एज ऑफ 28 इन 1941। उनकी 28 की एज में जब तक वो यहाँ पर इंडिया में रही, उन्होंने पेंटिंग यहाँ पर इंडियन थीम्स पर ही बनाई थी। एंड सी प्रोड्यूस अबाउट 40 पेंटिंग्स इन ऑयल विच आर कंसिडर एज अ मास्टरली क्रिएशन ऑफ अमृता शेरगिल। नेक्स्ट आता है ग्राफिक प्रिंट। तो ग्राफिक प्रिंट क्या होता है यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पेंटिंग से थोड़ा अलग है। तो ग्राफिक प्रिंट इज न्यूली डेवलप आर्ट फॉर्म बेस्ड ऑन द लाइन विच आर एनग्रेव और एज्ड ऑन द स्मूथ हार्ड सरफेस वेदर इट इज मेड ऑफ वुड मेटल हार्ड पेपर ऑफ एनी अदर मटेरियल एंड गेट अ रिक्वायर्ड शेप ऑफ द पिक्चर थ्रू द ग्राफिक आर्ट प्रिंट मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, ये नई फॉर्म थी उस टाइम की, क्योंकि उससे पहले तो हम पेंटिंग ही देख रहे थे अब तक, बट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्राफिक प्रिंट। इसमें क्या करना था, क्योंकि पेंटिंग तो एक ही बनती थी, बट ये चाहते थे कि उस पेंटिंग के जैसी सेम टू सेम और भी चीज़ें बन जाएं। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, कोई भी सरफेस लेते थे, कोई हार्ड हो सकता है, वुड या फिर पेपर हो सकता है, या मटेरियल किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसे खोद के इनग्रेव करके कर्व करके कोई डिज़ाइन बना करके उसे एक प्रोसेस प्रिंट मेकिंग प्रोसेस से गुजारा जाता था, फिर उससे बहुत सारे प्रिंट ले लिए जाते थे। तो ये है प्रिंट मेकिंग प्रोसेस, जिसमें हमें देखने को मिलता है चिल्ड्रन सोमनाथ होरे का, देवी ज्योति भट्ट ऑफ वॉल्स अनुपम सूद, मैन वीमेन एंट्री के लक्ष्मा गोड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चिल्ड्रन सोमनाथ होरे मॉडर्न पेंटिंग इसका जो पीरियड है एंड मीडियम कॉपर प्लेट। तो यहाँ पर जो मीडियम और टेक्निक है इनकी सबकी अलग अलग है। एचिंग एंड एक्वाटिंट सर का जो है इनका छोड़ देते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी ही ये रखी हुई है। एंड इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ दे रखा है इसकी पेंटिंग के बारे में कंपोजिशन में। इन दिस एचिंग इमेज ऑफ चिल्ड्रन वर टेकन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फेमाइन ऑफ 1943 विच वॉज एट इन हिज मेमरी। जब पार्टीशन था, फेमाइन हुआ था 1943 वाला, उस टाइम का जो इनका एक्सपीरियंस था, जब इनके सामने ये सब चीज़ें हो रही थी, भूखमरी वगैरह, तो इन्होंने वहाँ से ये पेंटिंग्स इन्होंने पेंट की है, मतलब प्रिंट ये इन्होंने बनाया है। एंड दिस इज़ अ क्लोज नीट कॉम्पोजिशन विद द फाइव स्टैंडिंग फिगर हैविंग नो बैकग्राउंड perspective or surrounding situation as the figure are talking to themselves। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं five standing figure यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे से बात करते हुए हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। द फिगर आर लाइनर ईच विद द स्केलेटल एनाटमी इल ह्यूमर एंड रिप केज विद द हेल्पलेस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो एनाटमी है वो ऐसे रिप केज वगैरह यहाँ पर इनके दिख रहे हैं, और इनके जो फेस हैं वो स्केलेटल जैसे ही हैं। तो ये खुद भी वैसे स्केलेटल जैसे ही देखने को मिलते हैं, इनके एक्सप्रेशन जो है वो हेल्पलेस हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा भूख मरे हो गए हैं। एंड सपोर्टिंग अ ह्यूज स्कल विद अ स्मॉल फेस द होल बॉडी इज सीन रेस्टिंग ऑन टू स्टिक लाइक लेग्स। तो इनके जो पूरी बॉडी है वो ऐसे लगती है कि बस दो स्टिक जैसी लेग्स यहाँ पर खड़ी कर दी हैं और उनपे इनका जो पूरा स्कल है वो टंगा हुआ है। एंड द बोन स्ट्रक्चर जस्ट बीनीथ द स्किन रेंडर्ड द इफेक्ट ऑफ मैल्यूनरेशंस ऑन द पीपल एंड इट क्रिएट्स नरेटिव क्वालिटी इन द पिक्चर्स विदाउट टेकिंग टू प्लेसिंग द फिगर्स इन द सिचुएशन ऑफ सपोर्टिंग विजुअल डेटा फॉलोइंग रिडक्शनिस्ट एंड सिंप्लीफिकेशन मेथड। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो एचिंग और लाइनिंग्स जो हैं उसमें हमें सिंपली हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कैसी पेंटिंग्स है और ये इसमें जो मेथड यूज़ किया गया है वो कितना सिंप्लीफिकेशंस में सिर्फ लाइनर से ही डिपिक्ट किया गया है। और ये नरेटिव है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो बच्चे इसमें खड़े हुए दिख रहे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो कितने भूखमरी के शिकार हैं। एंड दीज चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द
मोस्ट वुलनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये अभी भी जैसे हमें देखने को मिलते हैं जो भूखे वगैरह लोग रहते हैं, तो वो नेग्लेक्ट करती है सोसाइटी की, इन लोगों को हमारे इधर मत लेके आइएगा, इधर से ना गुजरें और यहाँ ना खड़े हों, यहाँ ना ऐसे करें, ना यहाँ से हमारे नल से पानी ना पीएं, और ऐसे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और उस टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी छुआछूत वाली। एंड आर्टिस्ट सोमनाथ होरे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो होरे वॉज बॉर्न इन चित्तगांव इन बांग्लादेश एंड वॉज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। इन्होंने कहीं नहीं सीखा, ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। एंड ही हैड मास्टरी ओवर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन इन ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग एंड स्कल्पटिंग। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों में, प्रिंट मेकिंग हो, स्कल्पटिंग हो, ड्राइंग हो, सब में मास्टरी की हुई थी इन्होंने खुद से प्रैक्टिस करके। एंड ही वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द बंगाल फेमाइन इन 1943 एंड स्टार्टेड मेकिंग लाइन्स ड्राइंग ऑफ फेमाइन स्ट्राइकन पीपल। तो इन्होंने फेमाइन स्ट्राइकन पीपल की पेंटिंग करना शुरू की थी क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा था फेमाइन ऑफ 1943 का बंगाल का। एंड हिज अर्ली स्केचेस एंड ड्राइंग्स वर स्पोर्ट एंड लाइफ ड्राइंग्स ऑफ हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ द फेमाइन एंड सफरिंग एंड डाइंग पीजेंट्स एंड सिक एंड इनफॉर्म डेस्टिट्यूट एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। तो इन्होंने जितने भी फेमाइंस वगैरह और भुखमरी और जितने भी हेल्पलेस पीपल रहते हैं उनके ऊपर ही ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाई हैं, पोर्ट्रेट्स बनाए हैं वीमेन्स के, एनिमल्स के, चिल्ड्रंस के, मैंस के, वो यही देखने को मिलते हैं। सोमनाथ होरे सम अदर आर्ट वर्क इंक्लूडेड पीजेंट्स मीटिंग एंड वॉन्टेड एनिमल्स, द चाइल्ड मदर विद द चाइल्ड एंड द अनक्लेड बैगर फैमिली एटसेट्रा। ये इनके फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट आता है ज्योति भट्ट का देवी। देवी प्रिंट मेकिंग ये बना है कॉपर प्लेट पे और टेक्निक एचिंग एंड एक्वाटिंट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का ये भी है। एंड इन दिस प्रिंट पिक्टोरियल इमेज ऑफ देवी इज रीकास्ट एंड रीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड विद द लाइनर ड्राइंग ऑफ द फ्रंटल फेस ऑफ वीमेन फोक मोटिव्स एंड पैटर्न्स। तो जो हमें फोक पैटर्न्स वगैरह देखने को मिलते हैं जैसे टोना टोटका वाले रहते हैं, वही इसमें पैटर्न यूज़ किए हैं। और बीच में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, और ये जो पूरी लाइन है, ये कुंडालनी जो हमें देखने को मिलती है इसमें भी, ये नाभि ऐसे कह सकते हैं, और इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं छोटी छोटी, जो कि ट्रेडिशनल हमें फोक पैटर्न्स हो लगते हैं। बस इसमें एक फेस बनाया गया है जो देवी का है, बाकी इसमें जो है पैटर्न ही देखने को मिलते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ देवी इज सेंचुरी प्लेस एज एन आइकॉनिक इमेज। तो यहाँ पर इसमें बस पोर्ट्रेट जो है, फेस जो है यहाँ पर दिखाया गया है आइकॉनिक इमेज के लिए। द टू डायमेंशनली ऑफ वर्ड्स एंड मोटिव अराउंड द पोर्ट्रेट एक्सप्रेसेस एंड तांत्रिक फिलॉसफी। तो जैसे कि हमने कहा कि तंत्र मंत्र वाली विद्या का इसमें हमें फिलॉसफी देखने को मिलती है, तो वो वर्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इन दिस प्रिंट अवेकिंग एंड कुंडालनी हैज़ बीन शोन। तो इसमें जो पावर है, जो वीमेन पावर, वो इसमें दिखाई गई है, जो अराउज होती है, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने से, वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। दिस इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस फॉरवर्ड टू गेट सुपर नेचुरल ब्लिस विच इज़ ऑलमोस्ट डिस्क्राइब्ड इन हिंदू मैनी हिंदू रिलीजियस बुक्स एंड नॉलेज ऑफ तंत्र। तो ये जो इसमें दिखाया गया है वो कुंडालिनी के बारे में दिखाया गया है, जो कि बहुत सारी हिंदू रिलीजियस बुक्स में और नॉलेज ऑफ तंत्र में हमें देखने को मिलती है। अवोकिंग अराउज द पावर ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन एंड द सेल्फ इन्वोल्यूशन। तो वो इसमें चीज़ दिखाई गई है कि आप अपनी पावर को कैसे अराउज कर सकते हैं। एंड सीइंग रियलिटी एज द इंटरट्यूनिंग डायनेमिक एंड एस्थेटिक प्रिंसिपल ऑफ शक्ति। तो यहाँ पर शक्ति का जो है एनर्जेटिक चीज़ें दिखाई गई हैं, और कैसे वो सुपर ब्लिस और सुपर नेचुरल पावर उनके अंदर कांस्टेंट रह सकती है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। अब ज्योति भट्ट के बारे में देख लेते हैं। ज्योति भट्ट जो है यहाँ पर एक मैन है, एक बंदा है ये, मतलब ज्योति भट्ट एक आदमी है ना कि औरत, ठीक है। ज्योति वॉज बोर्न इन भावनगर गुजरात 1934 एंड ही हैविंग टेकन अ डिप्लोमा इन फाइन आर्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा गॉट फेम एज अ सक्सेसफुल ग्राफिक प्रिंटर एंड अ फेमस फोटोग्राफर। तो ये फेमस फोटोग्राफर एंड सक्सेसफुल ग्राफिक प्रिंटर हमें देखने को मिलते हैं। एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस विद द पिकासो एंड बैन निकोलसन। ये दो आर्टिस्ट हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहे हैं। एंड हीज़ मेंटर
केजी सुब्रमण्यम, ये पुराने आर्टिस्ट हैं, ये इनके मेंटर थे या फिर इनके गुरु कहे जा सकते हैं। ही कार्व आउट एन आर्ट लैंग्वेज बेस्ड ऑन फोक ट्रेडिशन एंड पॉपुलर प्रैक्टिसेस। तो ये पॉपुलर प्रैक्टिसेस से इनकी जो आर्ट की लैंग्वेज है, कर्व्ड है इनकी लैंग्वेज आर्ट में, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड ही ब्रिंग टुगेदर मैनी विजुअल एलिमेंट्स इन टू द कंपोजाइट नरेटिव। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा जो विजुअल एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके इन्होंने ऐसे नरेटिव्स बोलने वाली आर्टिस्ट पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमें बताती हैं, अपने आप बोलती हैं पेंटिंग। वैसी इन्होंने पेंटिंग या प्रिंट मेकिंग बनाई हैं। बट ऑल्सो मेड आर्ट वर्क्स लाइक कल्प वृक्ष एंड सेल्फ पोर्ट्रेट एंड फोगोटन माउंटेन्स, सीतास पैरट एंड स्टिल लाइफ विद द टू लैम्प्स, स्कैटर्ड इमेज अंडर द वार्म स्काई एंड तीर्थांकर एटसेट्रा। ये चीज़ें इनके वर्क में देखने को मिलती हैं। और भी नेक्स्ट आता है ऑफ वॉल्स अनुपम सूद की पेंटिंग है और ये मीडियम इसका पेपर है और मॉडर्न पीरियड टेक्निक लिथोग्राफ है एंड कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। कंपोजिशन की बात करें तो दिस इज एन एचिंग मेड फ्रॉम अ जिंक प्लेट एंड प्रिंटेड ऑन पेपर मेड बाय अनुपम सूद इन 1982। And in this graphic print, an interesting form of women by hollowing out of face. यहाँ पर भी आपको फेस नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि मदर टेरेसा में नहीं देखने को मिलता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा प्रिंट है, मेकिंग है और कौन सा पेंटिंग है और किस आर्टिस्ट ने वो बनाई है। दोनों एक जैसी हैं, इनके फेस नहीं है, फेसलेस हैं दोनों। The painting depicts the figure of a lonely woman seated on the pavement's footpath and before a dilapidated damaged wall. Okay, आप ये देख सकते हैं कि फ्रंट ऑफ द डैमेज वॉल ये बैठी हुई है यहाँ पर और इसमें कुछ ड्राइंग बनी हुई दिख रही है यहाँ पर जो कि ट्रेडिशनल हैं और ये एक फुटपाथ पर बैठी हुई हमें नज़र आती है। In the foreground, we only get glimpse of the lower part of a poor man sleeping on the ground. तो foreground में हम यहाँ देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पर poor man के एक legs देखने को मिलते हैं। And the print is powerfully protested by the artist against the society erecting such walls on the basis of caste, religion and status. तो यहाँ पर हमें painters जो समझाना चाह रहे हैं वो कि हमारे जो सोसाइटी में वॉल्स क्रिएट कर दी गई हैं पुअर के बीच में रिलीजियस एंड कास्ट के बेस पे, तो वो चीज़ें यहाँ पर हमारे पेंटिंग में देखने को मिलती है। अनुपम सूद के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुपम सूद इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेग्लियो प्रिंट इंडियन प्रिंट मेकर्स ऑफ द मॉडर्न एरा। वन In 1944 in Hoshiarpur, Punjab, and she had studied printmaking at the Slade School of Fine Art, University College London in the early 1970s. When she returned to India, she was drawn to its everyday reality. And apart from her deep interest in social problems faced by people belonging to marginalized community of the society, and she was keen to understand them artistically. तो ये जो अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखती थी सोसाइटी में जो हो रहा था, आगे बाहर दुनिया में जो हो रहा था, इंडिया में वापस आई उसके बाद इन्होंने देखा, वही इन्होंने पेंट करना शुरू किया। She also mixed the photo mechanical process with the intaglio, which looks like the Xerox copy of the photographs. तो कई बार फोटोग्राफ्स को इंटेग्लियो के साथ मिक्स करके ये पेंटिंग बनाती थी, जैसे एक फ़ोटोग्राफ लिया और कुछ उसमें इंटेग्लियो प्रोसेस से उसमें कर्व करके कुछ प्रिंट किया, तो वो दोनों एक जैसे लगते थे, फोटोग्राफ जैसा ही लगता था, ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ। नेक्स्ट आता है मैन वीमेन एंड ट्री। सो मैन वीमेन एंड ट्री के जो आर्टिस्ट हैं वो के लक्ष्मा गोड, पीरियड मॉडर्न, मीडियम पेपर, टेक्निक एचिंग एंड एक्वाटेंट एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कलेक्शन। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। इन दिस एचिंग मैन वीमेन आर शोन विद द ट्रीज इन द बैकग्राउंड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड मेमोरी इमर्ज्ड इन द नेचर। तो ये इनके चाइल्डहुड मेमोरी का है, ये जो अपने बचपन में देखते थे वही इन्होंने यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश की है। इलस्ट्रेशन ऑफ अ रूरल आइडल इज़ करेक्टराइज थ्रू द प्रोटोटाइप ऑफ
पीजेंट्स मैन एंड वीमेन। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे रूरल एरिया में देखते थे उस टाइप से यहाँ पर इन्होंने पेंट करने की कोशिश की है। एंड द रियलिस्टिक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द हाईली एंड ओरिएंटली कॉन्टर्ड शेप ब्रिंग इन एंड एलिमेंट्स ऑफ एक्चुअल अपेयरेंस ऑफ ब्लेजर्स बट इज स्ट्रीड टूवर्ड्स अ जेंटली स्टाइलाइजेशन विद द इम्पोज ऑफ फिगर अ टच ऑफ पपर्ट्स। तो यहाँ पर हमें पपर्ट्स के मतलब शेप में ये देखने को मिलते हैं इनके आर्ट में, जो एलिमेंट्स और जो स्टाइल यूज़ किया है इन्होंने। और ये ब्लेज का जो रियलिस्टिक थिंग्स हैं जैसे हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर, ये एक तरह से कहे जा सकते हैं लवर कहे जा सकते हैं, जो कि ट्रीज़ के बीच में बैठ करके अपनी गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। दिस प्रिंट इज़ लाइन बेस्ड एंड कलर्ड। तो यहाँ पर मोनोक्रोम टाइप ही हमें ये पेंटिंग देखने को मिलती है। इसमें जो लाइनर्स हैं वो लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, और ये पेंटिंग जो है, ये प्रिंट मेकिंग जो है, ये कलर्ड है, और जो कि एक ही कलर के शेड से बनाई गई है। अब के लक्ष्मा गोड के बारे में देख लेते हैं। तो के लक्ष्मा गोड वॉज बॉर्न इन निज़ामपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद स्टेट इन 1940। लक्ष्मा गोड अ फाइन ड्राफ्टमैन एंड प्रिंट मेकर स्टडीड म्यूरल पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग एट MS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर के जी सुब्रमण्यम एक्सपेरिमेंट्स विद द नरेटिव मोड्स एंड फिगरेशन ऑफ विजुअल ट्रेडिशन क्लासिक फोक एंड पॉपुलर कल्चर्स। तो हम के जी सुब्रमण्यम एक और हम देखते हैं कि एक और आर्टिस्ट के जी सुब्रमण्यम मेंटर रहे हैं, तो वही ये के जी सुब्रमण्यम है, और ये MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में एक मेंटर या फिर टीचर होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इनके मेंटर देखने को मिलते हैं टू आर्टिस्ट के। एंड ही ट्राइज टू रेज शार्प डेमोक्रेशन बिटवीन द मेजर एंड माइनर आर्ट दस कीपिंग इट्स इलिगिस्टिक ब्रीथ, एंड दिस हैड हेल्प हिम स्ट्रगल वेरियस मीडियम सच एज ग्लास पेंटिंग एंड टेराकोटा एंड ब्रॉन्ज। तो ये चीज़ें इन्होंने करी हैं, सारी पेंटिंग्स के मोड इन्होंने यूज़ करके देख रखे हैं। सम ऑफ हिज अदर आर्ट वर्क आर वीमेन मैन लैंडस्केप ऑफ टर्की एंड अनटाइटल्ड ज़ियान चाइना एटसेट्रा, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम द पद्म श्री इन 2016। तो ये इन आर्टिस्ट के बारे में बात हो गई। तो यहाँ पर आर्टिस्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत मतलब ध्यान में रख करके जा सकते हैं, बट जो पेंटिंग के बारे में है वो आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, और आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वो ग्राफिक प्रिंट है या पेंटिंग है या स्कल्पचर है। ये तो ज़रूरी आप इसे डिफ़ाइन कर लें अपने माइंड में कि क्या कौन सी चीज़ क्या है और कौन से चैप्टर से ली गई है, ठीक है। प्रिंट मेकिंग को पेंटिंग ना लिखें और पेंटिंग को प्रिंट मेकिंग। आप देख लेते हैं स्कल्पचर। तो स्कल्पचर क्या होता है, स्कल्पचर की अगर हम बात करें, स्कल्पचर आर द थ्री डायमेंशनल आर्ट फॉर्म मेड ऑफ स्टोन मेटल वुड वैक्स क्ले और एनी अदर मटेरियल यूज बाय द आर्टिस्ट स्कल्पचर ऑफ प्रेजेंट टाइम टू प्रेजेंट देयर फीलिंग्स और एस्थेटिक्स। तो ये मूर्ति कैसी भी हो सकती है, जैसे कि पत्थर से आप कट करके बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, क्ले से बना सकते हैं, वैक्स से, वुड से, जो आपके जिस चीज़ से भी आप बना सकते हो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये चीज़ आपको यूज़ करनी है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं जो 3D फॉर्म रहती हैं, ठीक है। अब आपके स्कल्पचर में कौन कौन से हैं, ट्रायम्फ ऑफ द लेबर, सेंथोल फैमिली, गणेशा, क्राइसनार्ड, और इनके जो आर्टिस्ट के नेम हैं स्कल्पटर जिन्हें कहते हैं, तो DP रॉय चौधरी, राम किंकर वेज, PV जानकी राम एंड अमरनाथ सहगल। तो ये आपके आर्टवर्क और आर्टिस्ट हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इनका टाइटल ट्रायम्फ ऑफ द लेबर DP रॉय चौधरी का है, मॉडर्न एर का पीरियड है, और मीडियम यहाँ पर ब्रॉन्ज एंड सीमेंट्स देखने को मिलता है। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका जबकि प्रोटोटाइप है, एक जगह और भी है, यहाँ पर देखते हैं इसकी कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ एन ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज। ये बहुत ही बड़ा स्कल्पचर है और ये ओपन एयर में मतलब बाहर खुले में रखा हुआ है। इट वॉज इंस्टॉल एट मरीन बीच चेन्नई ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे इन 1959। तो ये बनाया गया था मरीन बीच पर, बट इसका एक प्रोटोटाइप हैज़ बीन सेट अप एट द मेन गेट ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। जब आप मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली देखने जाएंगे तो आपको ये बाहर ही देखने को मिल जाएगा सामने गेट के। एंड इट शोज फोर मैन ट्राइंग टू मूव अ रॉक रेंडरिंग द इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन लेबर इन द नेशन बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो डिपिक्ट किया गया है वो लेबर के बारे में डिपिक्ट किया गया है, और उनकी जो मसल्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रही हैं कि कितनी मेहनत करके जो है नेशन बिल्ड किया गया है हमारा। ये लेबर ही जो है सबसे ज़्यादा नेशन बिल्ड में योगदान करती है। एंड अनकॉन्करेबल
मैन आर रेसलिंग विद द नेचर डॉगली डॉगली एंड इनडिटरमाइनेटली एंड पावरफुली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है सिर्फ नेचर के साथ ही जितना डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, जितने भी हमारे लेबरर हैं उनके बारे में यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। इट इज़ एन इमेज ऑफ लेबर अगेंस्ट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड वेल नॉन रोमांटिक सब्जेक्ट ऑफ द 19th century। तो ये जो स्कल्पचर है ये वेल नॉन रोमांटिक सब्जेक्ट पर बना हुआ है 19th century का। एंड चौधरी लव्स टू ड्वेल ऑन द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ हिज वर्कर्स एंड रिवीलिंग देयर बोन्स वेंस फ्लैश एटसेट्रा। तो इन्होंने इसमें ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिपिक्ट किया है, जैसे कि उनकी बोन्स, उनकी मसल्स एंड एवरीथिंग, जैसे फ्लैश लाइट्स ऑल्सो देयर। सो ये सब कुछ ऐसा दिख रहा है रियलिस्टिक में बेस। एंड ह्यूमन फिगर्स आर इंस्टॉल्ड इन अ वे दैट क्रिएट अ क्यूरियसिटी इन अस एज अ व्यूवर्स। तो हमें जब हम देखने जाते हैं तो हम क्यूरियसिटी होती है कि चारों तरफ से इसे देखा जाए कि किधर से कैसी इनकी मसल्स हमें देखने को मिलती हैं। इट अट्रैक्ट द व्यूअर्स टू सी इट फॉर्म्स ऑल साइड्स एंड द इमेज ऑफ ग्रुप लेबर इज प्लेस्ड ऑन हाई पेडेस्टल एंड देयर बाय रिप्लेसिंग द नेशंस ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग ऑफ ब्रिटिश डाइनेटरीज। तो ये बहुत ही ऊँचे पेडेस्टल पर रखा हुआ है ज़मीन से, जब आप देखने जाएंगे तो आप क्लियरली इसे देख सकते हैं। अगर देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में बात करें तो बोर्न इन 1899 इन रंगपुर नाउ इन बांग्लादेश, डीपी राय चौधरी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मल्टीफेसेटेड आर्टिस्ट इंडिया एवर प्रोड्यूस एंड ही स्टार्टेड लर्निंग ड्राइंग फ्रॉम अवनींद्रनाथ टैगोर एंड एज हिज डिसिपल ही स्टार्टेड पेंटिंग इन वाटर कलर बोथ इन टेम्परा एंड वॉश ऑन मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने बात करी थी इनकी वो बंगाल स्कूल में भी, कि ये बंगाल स्कूल में अवनींद्रनाथ टैगोर के जो है स्टूडेंट रहे हैं, शिष्य रहे हैं। सम ऑफ हिज ग्रेट वर्क जिसमें है निर्वाणा इन ऑयल एंड ब्रिज इन पेस्टल एंड दुर्गा पूजा प्रोसेशन इन ऑयल, ये इनकी पेंटिंग्स हैं कुछ। और स्कल्प्टर की बात करें तो स्कल्प्टर वो हमारा दे रखा है, अवार्ड इनको मिला है पद्म भूषण बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आता है संथाल फैमिली, इसकी भी एक बड़ी स्टोरी है। ठीक है, संथाल फैमिली ये जो इसमें डिपिक्ट की गई है, इसमें पूरी एक फैमिली है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। राम किंकर बेज ने ये बनाया है। यहाँ किंकर से आप याद रख सकते हैं, सीमेंट और किंकर इसमें यूज़ किए हैं, कॉन्क्रीट कह सकते हैं, पीरियड मॉडर्न मीडियम सीमेंट्स एंड और इसका जो कलेक्शन है वो शांति निकेतन बंगाल में है। एंड दिस इज़ एन ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर क्रिएटेड बाय राम किंकर बेज इन 1937। नेक्स्ट आता है इट इज़ मेड आउट ऑफ मेटल आर्मचर एंड सीमेंट्स मिक्स विद द पेबल्स एंड प्लेस्ड इन द कंपाउंड ऑफ कला भवन शांति निकेतन इंडियाज फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल। इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंडियाज नेशनल फर्स्ट स्कूल कला भवन शांति निकेतन में जो है, तो ये वहाँ पर लगाया गया है, उसके कंपाउंड या प्रांगण में कह सकते हैं वहाँ पर लगाया गया है। इट शोज अ सीन ऑफ अ संथाल मैन केयरिंग हिज चिल्ड्रंस इन अ डबल बास्केट जॉइन बाय अ पोल एंड हिज वाइफ एंड डॉग वॉकिंग अलोंग साइड। तो इसकी वाइफ और डॉग भी इसके साथ जा रहे हैं और प्लस टू इनके चिल्ड्रंस हैं जो कि टू बास्केट्स में रखे हुए हैं, जिसे कि एक पोल से अटैच किया गया है, दोनों तरफ कंधे पे उठा करके लेकर के जा रहे हैं। परहैप्स इट्स स्पीक्स ऑफ फैमिली मिग्रेंट्स मिग्रेंटिंग फ्रॉम वन रीन टू अनदर कैरिंग ऑल देयर फ्रूगल पोजिशंस। जितनी भी काम की चीज़ें वो लेकर के वो एक रीजन से दूसरी रीजन जा रहे हैं, क्योंकि ये बात है जबकि जब बंगाल पार्टीशन की। ठीक है, दिस मस्ट बी एन एवरी डे सीन्स फॉर द आर्टिस्ट लिविंग एडमिस्ट द रूरल लैंडस्केप। तो उस टाइम पे जब ये ना रोज का सीन हो गया था, जब ऐसे ऐसे लोग, मतलब कि एक फैमिली पूरी यहाँ से जा रही है, एक नहीं बहुत सारी फैमिली एक साथ जाती थी, तो उसका ही ये सीन बना। इस स्कल्पचर को इन्होंने मॉन्यूमेंट स्टेटस दे रखा है पूरा, कि वहाँ पर लोग इनके साथ फोटोग्राफी वगैरह करवाते जब जाते, तो क्योंकि ये रोड के साइड में ही है, तो लोग जब पैदल चलते हैं तो उनको लगता है कि हम भी ऐसे मिग्रेंट हैं और हम भी एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं। द स्कल्पचर इज़ मेड इन द राउंड विच मीन द वी कैन सी इट फ्रॉम ऑल साइड्स। ये राउंड उसमें बना हुआ है, ये जो इसका पेडिस्टल देख रहे हैं इसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं। द स्कल्पचर इज में इट इज़ प्लेस्ड ऑन लो पेडिस्टल मेकिंग एज फील एज इफ वी आर पार्ट ऑफ द सेम स्पेस। तो ये लो पेडिस्टल की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम भी इसके ही पार्ट हैं।
एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्क इज दैट इज रिग्रेटेड एज द फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर इन इंडिया. तो ये फर्स्ट स्कल्पचर मॉडर्निज्म में कहा जा सकता है, मॉडर्निस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो शेप्स देखने को मिलते हैं वो क्लियर शेप्स नहीं है, जैसे कि रियलिस्टिक शेप्स हमें सारी पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें इसे मॉडर्निस्ट कह सकते हैं. वी डू नॉट नीड टू गो टू द म्यूजियम टू सी इट एज इट इज प्लेस आउटसाइड द कला भवन. तो इसे म्यूजियम में देखने जाने की जरूरत नहीं है, ये कला भवन के बाहर की साइड में ही लगा हुआ है, आप वहीं से देख सकते हैं. द आर्टिस्ट हैज़ अवॉइडेड ट्रेडिशनल मीडियम लाइक मार्बल, वुड और स्टोन एंड हैज़ रेफर सीमेंट्स एंड सिंबल ऑफ मॉडर्निज्म. तो यहाँ पर सिंबल ऑफ मॉडर्निज्म के लिए इन्होंने कॉन्क्रीट वगैरह यूज़ किया है. कोई भी इन्होंने जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी मार्बल या फिर वुड या स्टोन से बनाते थे आर्टिस्ट स्कल्पचर वगैरह, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया गया है. अब बात करते हैं राम किंकर बेज की, जिन्होंने ये स्कल्पचर बनाया. राम किंकर बेज वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली बंकुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल एंड द पेंटर नेम सीताज Exile was made by him when he was only 15 years of age and the published in the magazine named Prabasi. Prabasi magazine का यहाँ पर कई बार जिक्र हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है. Published in the Prabasi magazine and this painting helped him to get a gold medal in the painting exhibition of Delhi and for his idol he used a medium of a sand, concrete, cements and soil because they were easily available everywhere. तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें कहीं पर भी हमें मिल सकती हैं, तो ये इसलिए इनका फेवरेट मीडियम कहे जा सकते हैं. एंड ही डिड नॉट एक्सेप्ट डूइंग वर्क ओनली इन एनी पर्टिकुलर स्टाइल. ये अलग अलग स्टाइल में काम करते थे और इन बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे एक स्टाइल में काम करने का. एमंग हिज वर्क्स द फेमस आर्ट सैंथॉल फैमिली, सुजाता एंड रीपर गर्ल एंड द डॉग एंड रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट. तो ये इनके फेमस आर्ट वर्क हैं. नेक्स्ट आता है गणेशा. गणेशा पी वी जानकी राम का बनाया हुआ है एंड मॉडर्न, और इसका जो मीडियम है ऑक्साइड कॉपर एंड टिन एंड वायर्स एंड कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. इन दिस जानकी राम हैज़ यूज्ड शीट्स ऑफ अ कॉपर टू क्रिएट अ पिक्टोरियल स्कल्पचर एज फ्री स्टैंडिंग फॉर्म. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें यूज़ किया गया है कॉपर, और जो कि हमें फ्री स्टैंडिंग फॉर्म में दिखता है, जो कि किसी भी चीज़ से अटैच होकर के नहीं खड़ा हुआ है, ठीक है. एंड ही हैज़ मेड ऑर्नामेंटेड देयर सरफेस विद द लाइनर एलिमेंट्स एंड दीज लाइनर एलिमेंट्स वर्क एज अ फेशियल फीचर्स एंड अ डेकोरेटिव मोटिव्स टू सजेस्ट रिलीजियस आइकन इनवाइटिंग इंटीमेट कंटेम्पलेशन. तो इसमें जो यूज़ किया गया है, इसमें वायर यूज़ किए हैं फेशियल फीचर्स दिखाने के लिए. इन्होंने जैसे अभी यहाँ गणेशा की आइज़ वगैरह देख रहे हैं आप, नोज़ देख रहे हैं, तो ये इसमें ना अलग से वायर यूज़ किया गया है इस टिन के ऊपर, तो जिससे कि आपको ये रियलिस्टिक चीज़ में दिखे और रिलीजियस आइकन तो ये है ही. एंड दिस इमेज ऑफ गणेशा क्राफ्टेड फ्रंटली लेंस एन इम्पोर्टेंट इंडिजीनियस करेक्टर ऑफ द केव एंड टेम्पल स्कल्पचर. तो उस टाइम पे जैसे कि इंडियन हमारे केव्स में स्कल्पचर ऐसे देखने को मिलते हैं और मंदिर में देखने को मिलते हैं वो ऐसे स्कल्पचर, तो ये वैसा यहाँ पर इमेज देने की कोशिश की गई है. इन दिस स्कल्पचर गणेशा इज प्लेइंग वीणा एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीणा बजा रहे हैं. एंड गणेशा रिवील हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल इमेजरी. वीणा से जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग इमेजनरी ट्रेडिशनल इमेजनरी दिखा रहे हैं गणेश जी. एंड ही हैज़ एलोबरेटेड लाइनर डिटेल्स इन टू द ओवरऑल फॉर्म. सो यहाँ पर लाइनर हर जगह यहाँ पर ना डिटेल की गई है, उससे लाइनर एलिमेंट्स जो वायर यूज़ किया है इन्होंने उससे हर जगह हमें ग्रीन फाइन आर्ट स्कल्पचर एंड वोकेशनल आर्ट फ्रॉम आर्ट कॉलेज मद्रास. एंड ही हैज़ यूज्ड शीट्स ऑफ कॉपर्स टू क्रिएट पिक्टोरियल स्कल्पचर्स एज अ फ्री स्टैंडिंग फॉर्म्स एंड ऑर्नामेंटल देयर सरफेस विद द लाइनर एलिमेंट्स. एंड जैसे आपने अभी गणेशा में फॉर्म देखी उसकी, उस टाइप की ये फॉर्म यूज़ करते थे. ही ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद एन open and ness quality of indigenous workmanship and the main speciality of them is the idol are standing facing towards one another and they have been ornamented with the copper and thin wires of copper. तो यहाँ पर जो इनकी स्पेशलिटी है वो जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं लाइनर एलिमेंट्स फॉर फीचर्स ऑफ दैट स्कल्पचर, तो वो चीज़ इनकी जो है मेन है, स्पेशली है स्पेशलिटी. Among his leading idols are Krishna and Garuda, Ganesha and Christ.
अदर क्रिएशंस आर मडोना एंड चाइल्ड एंड फ्लूट प्लेयर्स एटसेट्रा, इनके फेमस स्कल्पचर हैं। टाइटल ऑफ द स्कल्पचर नेक्स्ट आता है क्राइस्ट एंड हार्ड। तो क्राइस्ट एंड हार्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें तीन फिगर आपको देखने को मिलते हैं, 1, 2 and 3। ये एक फैमिली है पूरी। अमरनाथ सहगल ने इसको बनाया, पीरियड मॉडर्न मीडियम ब्रॉन्ज एंड कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। क्राइस्ट एंड हार्ड इज एन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैमिलीज अगेंस्ट फैमिलीज एंग्विज एंड सोरो। तो इनकी जो हेल्पलेसनेस है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। एंड ऑल दो द आर्टिस्ट ओनली यूज एबस्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर एबस्ट्रैक्शन यूज़ किया गया है, ना कि ओरिजिनलिटी दिखाई गई है इसमें। बहुत लंबे फिगर हैं, उनके हाथ बहुत बड़े बड़े दिखाए गए, तो ऐसा कुछ इसमें पेन मतलब स्कल्पटिंग की गई है। एंड इन विच थ्री फिगर्स आर स्टिक लाइक शोन इन अ फ्लैट रिदमिक प्लेन्स, and it is easy to understand them as a family, husband, wife and children and child, and they are shown flying their arms above the carrying crying out for help in vain, and through the medium of sculpture their helpless expression by the head's gesture is turned into the permanent shape. And it is possible for us to read this work as a socialist, and whereby the artist pays homage to millions of destitute families in need of help whose cries falls on the deaf ears. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, जैसे कि वो हेल्पलेस फैमिलीज़ रहती हैं और वो हेल्प के लिए अपने हाथ ऐसे हवा में उठाती हैं। हवा में यहाँ पर दिखाया गया है, सिर्फ हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है बहुत सारी फैमिली। नन अदर देन सोशलिस्ट पोएट्स मूलराज आनंद रोट मूविंगली अबाउट दिस वर्क विच नाउ इन द कलेक्शन ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो इसमें यहाँ पर एक सोशलिस्ट पोएट जो मूलराज आनंद हैं, उन्होंने भी इस क्राइस्ट एंड हार्ट जो स्कल्पचर है इसके ऊपर पूरी स्टोरी लिखी हुई है। अमराज सहगल के बारे में बात कर लेते हैं। वॉज बोर्न एट चंबेलपुर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटोक नाउ इन पाकिस्तान। ऑल दो द आर्टिस्ट ओनली यूज एबस्ट्रक्शन इन विच थ्री फिगर आर स्टिक लाइक द शोन इन फ्लैट रिदमिक प्लेन्स, एंड येट इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड दैम एज अ फैमिली, हजबैंड, वाइफ एंड चाइल्ड। एंड आफ्टर द इंडो पाक पार्टीशन ही केम टू इंडिया इन 1950। ओके, एंड ही स्टार्टेड टीचिंग इन मॉडर्न स्कूल दिल्ली, एंड ही इज नोन एज अ फिलोसोफर, पोएट, स्कल्पचर एंड आर्टिस्ट। तो ये multi-talented hai, and he his other creation are anguished cries, bronze floating cries poem and Abbe's life। ठीक है, ये चीज़ें इनकी इनके वर्क में दी गई हैं। तो आई होप ये आपने पूरा पढ़ लिया होगा, और आपने पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद हम आपके लिए लाने वाले हैं मॉडल पेपर की सीरीज़, उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है, कितनी बार उसको देखने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।